ओके तो भाई सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, क्या हम सब लोग लाइव हो चुके हैं? आप तो मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है फटाफट, क्या बात है। तो नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। देखो भाई, आप लोग तो डेली में जो प्रैक्टिस करता हूं उसमें एक चैप्टर है, वो चैप्टर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक्चुअली में इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको सीबीटी 1 में भी देखने को मिलेंगे और मेरे भाई इसके क्वेश्चन आपको सीबीटी 2 में भी देखने को मिलेंगे, मतलब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में मिलेंगे। हालांकि सीबीटी 2 में इसका नाम मास वेट और डेंसिटी हो जाता है, सीबीटी 1 में वही नॉर्मल फिजिक्स होते चैप्टर होते हैं। तो जल्दी से पहले एक बार लाइव आ जाइए और देखिए आज मैं आप लोगों को पूरा का पूरा मास वेट और डेंसिटी का डिटेल कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, मतलब एकदम हाई लेवल कॉन्सेप्ट होगा जिसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीबीटी 2 में ये चैप्टर के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन 101% मिलेंगे, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं या फिर थ्योरी वाइज मिल सकते हैं। फटाफट जल्दी से लाइव आ जाइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो स्टार्ट किया जाए बच्चा, सब लोग रेडी हैं? तो आज की जो क्लास है वो आप लोग अपने नोट्स में भी लिखेंगे क्योंकि ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको नोट डाउन कर लेना। उससे पहले एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए, कल हम लोग क्या करने वाले हैं कि 20 अगस्त 2018 की ये वो शिफ्ट है जो सीबीटी 1 की सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी, है ना। तो सीबीटी 1 की जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी यानी आपका 20 अगस्त 2018, इसके पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने जा रहे हैं, मतलब मैथ रीजनिंग जीटी जीएस साइंस है ना। तो पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा और ये क्लास कल आपको 3:30 बजे यूट्यूब पर मिलेगी। तो आप सब लोग इसकी नोटिफिकेशन पे क्लिक करके कह सकते हो इसका जो रिमाइंडर है वो सेट कर लीजिएगा। ओके चलिए तो स्टार्ट किया जाए बच्चा। ओके चलिए तो अब आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है मास वेट और डेंसिटी। कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, मास वेट और डेंसिटी। ये चैप्टर से मैंने बताया कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, सीबीटी 1 में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं मैं उसके नाम बता दूं। इसके अंतर्गत आपको लगभग 4 चैप्टर पढ़ने होंगे, वो 4 चैप्टर कौन कौन से? सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना होगा इसके अंतर्गत उसका नाम है फ्लूइड स्टैटिक्स। कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, फ्लूइड स्टैटिक्स ये आपको पहला चैप्टर पढ़ना है इसमें। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग, तैरने के जो सिद्धांत होते हैं वो भी आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा जो तीसरा चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है उसका नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, सुनते रहिएगा सब लोग। ओके और जो चौथा चैप्टर इसमें आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको ग्रेविटेशन। क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशन। मतलब इस यूनिट में आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं और जैसे ही ये 4 चैप्टर हो जाएगा। और अच्छा एक बच्चा कह रहा है सीबीटी 2 में फोकस मत कीजिए, अरे प्रभु ये सारा सिलेबस सीबीटी 1 का भी है यार, क्यों वो कर रहे हो, है ना। तो ये 4 चैप्टर आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। आज मैं जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं बच्चा वो है तुम्हारा फ्लूइड स्टैटिक्स, ये मैं आज आपका कंप्लीट करा दूंगा। ओके चलो तो स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग बहुत सारी चीजें फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ना क्या होता है। सर फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जब द्रव रुका हुआ हो, ध्यान से सुनते रहिएगा, जब द्रव रुका हुआ हो स्थिर हो। तो स्थिर द्रव में कैसी प्रॉपर्टी होती है यानी उसकी डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम के बारे में क्या है, केशिकात्व क्या होता है, इसके अलावा कह सकते हो और भी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं होती है, वो सब कुछ हमें पढ़ना है ना। तो मैं पहली हेडिंग स्टार्ट करता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बस आप सुनते रहिएगा, विश्वास मानिए आज की क्लास का बहुत धमाकेदार होने वाली है, बस आप कॉपी में नोट दे कर लीजिएगा। ओके
चलो स्टार्ट किया जाए भाई। चलिए तो पहली हेडिंग सब लोग डालेंगे, हेडिंग जिसका नाम है डेंसिटी, इसको बोलते हैं घनत्व। क्लियर है? चलो राम 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 राम। तो सब लोग पहले अपना काम करेंगे, मतलब एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के बाद जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं अपना काम करता हूं, है ना। चलिए जब भी कभी हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं, ध्यान से सुनते रहना, बस सुनते रहिए बस। तो याद रखना बच्चा, जो आपकी डेंसिटी होती है यानी घनत्व होता है सर, वो दो तरह का होता है। घनत्व तो हमेशा दो तरह का होगा, इसमें से एक को बोला जाता है द्रव्यमान घनत्व, मतलब मास डेंसिटी। एक को बोला जाएगा द्रव्यमान घनत्व, सुनते रहिए कॉपी में, नोट डाउन करते भी रहिएगा। और दूसरे को बोला जाता है भार घनत्व। जब भी कभी घनत्व की बात करेगा तो कह देना घनत्व सर दो तरह का होता है, एक होता है द्रव्यमान घनत्व और दूसरा होता है भार घनत्व। सर द्रव्यमान घनत्व क्या होता है? कहना द्रव्यमान घनत्व वही है जो आप बचपन से जवानी तक पढ़ते चले आ रहे हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मतलब द्रव्यमान ऊपर रखिए, आयतन नीचे रखिए, द्रव्यमान ऊपर रखिए, आयतन नीचे रखिए, यह कहलाता है तुम्हारा द्रव्यमान घनत्व। ठीक है, कॉपी में सब लोग नोट डाउन करते रहना। और मैं फिर से आपसे कह दूं, आज आप मुझे थोड़ा सा कम कमेंट कीजिए, आज बस आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपके बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊं। ओके, तो आज आप मुझे थोड़ा सा कम कमेंट करेंगे और मेरा ध्यान आपका केवल पढ़ाने पर रहेगा और आपका ध्यान पढ़ने पर रहेगा। इसलिए जो गुलशन कुमार जी, बाद में हम लोग बात करेंगे, प्लीज मैं आपका कमेंट भी नहीं रीड कर पाऊंगा अभी फिलहाल। ओके चलो, हाँ आप सही गुलशन जी, आप थोड़ा बाद में, है ना। चलो देखो, मैंने कहा डेंसिटी यानी घनत्व दो तरह का होता है, इसमें से एक को बोलते हैं द्रव्यमान घनत्व और एक को बोलते हैं कह सकते हो भार घनत्व। द्रव्यमान घनत्व क्या है सर? एम अपॉन वी, इकाई आयतन का द्रव्यमान, परिभाषा बोल रहा हूं लिखिए, इकाई आयतन का द्रव्यमान द्रव्यमान घनत्व। अगर इकाई आयतन का द्रव्यमान द्रव्यमान घनत्व है तो बच्चा इकाई आयतन का जो भार होगा, इकाई आयतन का भार सर, इसे बोला जाएगा भार घनत्व, इसे बोला जाएगा भार घनत्व। और भार घनत्व को प्रेजेंट किससे करते हैं? तो कहना भार घनत्व को सूट किया जाता है गामा से। किससे? गामा से। देखो द्रव्यमान घनत्व होता है रो, और भार घनत्व को किससे सूट करते हैं? गामा से। तो रो बराबर एम अपॉन वी, गामा बराबर डब्ल्यू अपॉन वी, सुनते रहना एक एक करके। देखो भार घनत्व का ही एक और नाम भी होता है, इसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं विशिष्ट भार। इंग्लिश में भी मैं बोल रहा हूं, कॉपी में इंग्लिश में भी नोट करते रहना, विशिष्ट भार को इंग्लिश बोलते हैं स्पेसिफिक वेट, है ना। चलो दूसरी बात करते हैं, सर इसका मात्रक मुझे थोड़ा बता दो। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी मात्रक हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सर अगर गामा की बात करते हैं तो गामा का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, समझे ना। एक और छोटा सा पॉइंट है, उसको भी सुनिए। देखो W क्या है सर? भार, इकाई आयतन का, इकाई आयतन का भार, भार घनत्व। भार का मतलब m इंटू जी, हाँ, और m बटे v कितना है? रो। यही रीजन है कि जब गामा और रो में मैं संबंध बनाता हूं तो गामा बराबर रो जी आ जाएगा। गामा बराबर रो जी कैसे आया? गामा बराबर रो जी कैसे आया? W की जगह एम जी रखिए, एम बटे वी रो हो जाएगा इंटू जी। तो ये क्या है सर? ये एक प्रकार का रिलेशन है, कहना किसके बीच रिलेशन है? तो कहना द्रव्यमान घनत्व और भार घनत्व के बीच रिलेशन है, गामा बराबर रो इंटू जी। एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, और वो आपके एग्जाम में पता भर भर के पूछा जा रहा है अभी सीबीटी 2 में, मैं बताता हूं क्या है। देखो आपको एक कन्वर्जन याद करना पड़ेगा, वो कन्वर्जन है कि एक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सर एक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये भी घनत्व का मात्रक होता है। तो एक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कितना किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है? एक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कितना किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है? तो बच्चा ग्राम का मतलब होता है किलोग्राम बनाने के लिए 10^-3, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बनाओगे 10^-2 का क्यूब -6, -3 ऊपर रहेगा, 10^-6 नीचे रहेगा। आप खुद मुझे बताइए, -3 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, तो 10^+3 बचेगा, 10^+3 बचेगा। तो आप पता है क्या बोल सकते हो?
आप इसको बोल सकते हो मेरे दोस्त कि जब भी कभी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बनाना हो, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बनाना हो, तो याद रखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। एक बार नहीं, कई कई बार आपको कॉपी में पूछा जा रहा है। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन, हमको आपका फॉर्मूले का पीडीएफ चाहिए। बच्चा मेरे पास फॉर्मूले का कोई पीडीएफ नहीं है, मैंने अभी तक नहीं बनाया है फिलहाल तो, है ना। तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इतनी बात सब लोग क्लियर है। अब होता क्या है कि जब भी कभी हम लोग डेंसिटी को डिफाइन करते हैं ना, तो डेंसिटी एक ऐसा टर्म है जिससे तुम केसिटा यानी कैपिलैरिटी को भी डिफाइन करते हो, ससंजन असंजन बल को भी डिफाइन करते हो। तो हमें क्या करना है, बहुत सारे लिक्विड की डेंसिटी याद करनी है। मैं याद कराता हूं, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, मतलब पानी की डेंसिटी कितनी होती है, आपको यह पता होना चाहिए। सुनते जाइए, पारे की डेंसिटी कितनी होती है यह पता होना चाहिए आपको, पेट्रोल की डेंसिटी पता होना चाहिए मेरे भाई आपको, तेल की डेंसिटी पता होना चाहिए, यह सब डायरेक्ट याद करना है आपको। आपको लकड़ी की डेंसिटी पता होना चाहिए, लकड़ी हरा, ये सब डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। आपको बर्फ की डेंसिटी पता होना चाहिए कितनी होती है, समझते रहिए ना। आपको जो है स्टील की डेंसिटी पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको कांच की डेंसिटी पता होना चाहिए कितनी होती है, और आपको मेरे भाई हवा की डेंसिटी भी पता होना चाहिए कितनी होती है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हर तरह की डेंसिटी को भी याद करेंगे, है ना। चलिए तो डेंसिटी को भी याद कर लेते हैं, क्या क्या डेंसिटी होती है। देखो बोथ लैंग्वेज में बोल रहा हूं, आप सुनिए, खुद से भी ट्राई कीजिए। मैंने द्रव्यमान घनत्व को बोला है, ये मास घनत्व है, मास डेंसिटी है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं पानी की डेंसिटी पूछूं तो कहना पानी की डेंसिटी सर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। बिल्कुल, पारे की डेंसिटी सर 13.6 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है, 13600। पेट्रोल की डेंसिटी 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, नोट डाउन करिएगा सब लोग। तेल की डेंसिटी 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। लकड़ी की डेंसिटी 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, सुनना है ना सब लोग, बताइए। इसके बाद अगर पूछा जाए बर्फ की डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। स्टील की डेंसिटी सर 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। कांच की डेंसिटी, ये सब याद करना बच्चा, 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और हवा की डेंसिटी 1.22 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, बताइए। तो आपको सारे के सारे लिक्विड की एक तो डेंसिटी भी याद होनी चाहिए, बताओ सबको क्लियर है। एक बार थम्स अप करके बताएंगे क्लियर है। अब मैं आप छोटी बात बताता हूं, आपने अक्सर देखा होगा पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब लिखी होती है, या फिर कई बार देखा होगा पानी की डेंसिटी 1000 की जगह पे 1 तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखी होती है, ये कई बार आता है। तो याद रखना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम बनाना है तो 1000 का मल्टीप्लाई करते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दूसरी बात सुनिए, पानी की जो डेंसिटी है ना ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, इस बात को याद रखना। और किसी के लिए ये बात नहीं याद रखनी, लेकिन पानी के लिए जरूर याद रखनी है मेरे भाई, ओके। अच्छा इतनी बात सबको क्लियर है, एक बार थम्स अप करके बताइए फटाफट। मैं एक बार याद करा दूं, पानी 1000, पारा 13600, पेट्रोल 750 बहुत कम डेंसिटी होती है, तेल 850, लकड़ी 600, बर्फ 900, स्टील 7850, 7850, कांच की 2500। इसके अलावा अगर हवा की बात करते हैं 1.22। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो, मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं, उसको भी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। उसका नाम है प्रभाव, इफेक्ट, उसका नाम है इफेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने दे ये है कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो बताइए द्रव की डेंसिटी क्या होगी, अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो बताइए द्रव की डेंसिटी क्या होगी। चलो अब जल्दी जल्दी मुझे प्रभाव बताना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपने किसी डेंसिटी का क्या मतलब होता है, घनत्व का क्या मतलब होता है, कि कोई भी लिक्विड कितना ज्यादा घना है, कितना ज्यादा पास पास मॉलिक्यूल, यही तो मतलब होता है ना।
तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, हाँ टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्म कर दिया, तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं मेरे भाई, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है सर, डेंसिटी घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घटती है, प्रेशर बढ़ाइए, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती है, तो प्रेशर दबाव बढ़ाया तो दबाव बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है। देखो तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घटती है, बट इसका एक अपवाद है, कई बार ये अपवाद भी पूछ लेता है कि इसका अपवाद क्या है, तो कह देना इसका अपवाद है पानी। पानी में 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उल्टा व्यवहार हो जाता है, इसलिए बोला जाता है कि पानी इसका अपवाद है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घटती है, लेकिन अपवाद क्या बताना है, पानी बताइए। ओके चलिए, तो आप लोग जल्दी से पहले थम्स अप करके मुझे बताइए ये सारी की सारी डेंसिटियां सबको याद हो गई, नहीं याद हो गई है ना। तो मैंने क्या किया है, इस स्लाइड को पूरी तरह से सेव कर दिया है, इस स्लाइड को पूरी तरह से सेव कर दिया है, और मैं एक बढ़िया दूसरी स्लाइड में जा रहा हूं कुछ और बातें समझाने के लिए। देखो ये सारी डेंसिटी याद कर लो, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते मैं बताता हूं। देखो पहली बात तो ये समझो कि जो घनत्व में हल्का है, जो घनत्व में हल्का है वो हमेशा ऊपर होता है, और जो घनत्व में भारी है वो हमेशा नीचे होता है। जैसे कि मैं देखो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि बर्फ को जब हम पानी में डुबोते हैं तो बताइए वो तैरता है कि डूबता है। तो बर्फ की डेंसिटी कम है, और जो चीज कम है डेंसिटी में वो हमेशा ऊपर होगा। तो बर्फ देखिए सर, बर्फ पानी में तो डूब तैरेगा, पानी में तैरेगा, लेकिन बर्फ जो है वो पेट्रोल में डूब जाएगा, बर्फ जो है तेल में डूब जाएगा। मेरे कहने का अर्थ बस इतना सा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो हमेशा जो है तैरेगा और डूबेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगा। बताइए इतनी बात सबको क्लियर है। प्लंबर ट्रेड का कोर्स ऐड हो रहा बच्चा, ट्रेड का कोर्स अभी स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट हो रहा। चलो अब मैं आपको इसका कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ एनालिसिस बिताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया ये सबको याद होने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाने का रीजन है कि आप खुद से एनालिसिस नहीं करते, ठीक है। आप मुझे जल्दी से बताइए, ध्यान से सुनना कायदे के साथ। मान लीजिए मैंने यहां पर दो सरफेस दिखाई है, मैंने यहां पर दो द्रवों की सरफेस दिखाई है, एक ऊपर वाली द्रव हो गया और एक नीचे वाला द्रव हो गया। मैंने देखो दो द्रवों की सरफेस दिखाई, एक ऊपर वाला द्रव हो गया और एक कौन वाला द्रव हो गया सर, एक नीचे वाला द्रव हो गया। तो मैं आज आपसे पूछूं कि बताइए ये द्रव में से कौन ऊपर होगा कौन नीचे, तो कहना बड़ा आसान है सर। बताइए अगर मैं तेल और पानी को ले लेता हूं तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि तेल और पानी में से कौन ऊपर होगा कौन नीचे, बताइए जल्दी से। अगर मैं कहता हूं इनमें से एक तेल है एक पानी है तो कौन ऊपर कौन नीचे, तो कहना सर तेल की डेंसिटी 850, पानी की 1000, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे होगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो कहां होगा सर, वो ऊपर होगा। तभी तो आप देखिए जब भी तभी पानी में तेल की एक छोटी बूंद डालते हैं तो वो फैल जाती है, ऊपर होती है नीचे नहीं। इसके उल्टा अगर तेल में पानी की बूंद डालते हैं तो पानी की बूंद धीरे 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 नीचे आ जाती है। समझे कि नहीं समझे वाली बात बताइए, है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये तेल पानी ना होता, पानी और पेट्रोल होता, बल्दी बताइए पानी और पेट्रोल होता तो कौन ऊपर होता कौन नीचे होता। अगर ये पानी और पेट्रोल होता तो जल्दी बताइए कौन ऊपर होता कौन नीचे होता, फटाफट बताइए जल्दी बताइए। अगर ये पानी और पेट्रोल होता तो कौन ऊपर कौन नीचे है, हरा। तो कहते हैं अगर पानी और पेट्रोल होता तो पानी की डेंसिटी ज्यादा और पेट्रोल की कम, तो पेट्रोल तुम्हारा होता ऊपर, पेट्रोल होता तुम्हारा ऊपर, और देख लीजिए पानी तुम्हारा कहां होता नीचे। कई बार आप फिल्मों में भी देखते होंगे और डेली लाइफ में भी देखते होंगे कि जब हम लोग पेट्रोल को पानी में डाल देते हैं और माचिस छुआ देते हैं तो देखिए पेट्रोल जलने लगता है, फिर कहते हैं वाह भाई वाह सर ने तो पानी में भी आग लगा दी। अरे पानी में आग नहीं लगी यार, पेट्रोल ऊपर था जलने लगता है, बात समझे ना, है ना। इसी तरीके से ध्यान रखना जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा ऊपर होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो हमेशा नीचे होता है। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक और केस देखिए, आप मुझे बताइए ध्यान से सुनना एकदम कायदे के साथ। मान लीजिए फिर से मैंने एक लिक्विड की सरफेस आपको बनाते थे, लिक्विड कोई
मैंने अगर इसमें पानी कह दिया, ये क्या कह दिया, पानी, ये पानी है, और ये जो ठोस बॉडी मैंने डुबोई है, हालांकि डूबी नहीं तैर रही है, तो अगर इस बॉडी को मैंने बर्फ कह दिया तो जल्दी बताइए ये डायग्राम मैंने सही बनाया कि गलत बनाया। मतलब मैं तैराना और डुबोना जानना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए ऐसे बॉडी डूबी हुई होती और ये बॉडी तैर रही है, तो आप मुझे बताइए अगर पानी ये है, बर्फ ये है, तो बताइए ये डायग्राम मैंने सही बनाया है कि गलत बनाया है, बताओ। देखिए जितने भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं आपसे कहता हूं पहले आज पूरा लेक्चर देखो, मैं बीच में डिस्टर्बेंस चाहता नहीं, मेरे पास दुनिया भर की स्लाइडें हैं पढ़ाने के लिए, आज बस आप पढ़ने का एंजॉय लीजिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो पानी बर्फ में या बर्फ पानी में हमेशा तैरता है, इसका मतलब ये डायग्राम सही है। लेकिन अगर धोखे से यहां पर मैं तेल कर दिया होता तो कहते बर्फ की डेंसिटी 900, तेल की 850, तब ये डायग्राम गलत है, तब ये डायग्राम क्या है, गलत है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा तैरता है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है वो हमेशा डूबता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट जल्दी बताइए, है ना। तो ये डेंसिटी का मेन मतलब होता है, ठीक है, ये डेंसिटी का मेन मतलब होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग कीजिएगा इसको, क्योंकि ये हेडिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हर बार आया भी है। ध्यान सुनना, स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, हिंदी में हम लोग इसको विशेष ग्रोथ या फिर सापेक्ष घनत्व भी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी मतलब सापेक्ष घनत्व, स्पेसिफिक डेंसिटी मतलब विशिष्ट ग्रोथ। अब ध्यान से सुनना, किसी भी लिक्विड की हम कैसे बताएंगे कि उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या है, अब बताओ। जैसे मैं कह दूं कि किसी लिक्विड की मुझे रिलेटिव डेंसिटी जाननी है, सर कहना कुछ नहीं करना, सर कुछ भी नहीं करना, उस लिक्विड की डेंसिटी को आप ऊपर रख दीजिए मेरे भाई, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी को नीचे रख दीजिए, सर बस यही तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी है। उस लिक्विड की डेंसिटी को ऊपर रखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वाटर की डेंसिटी को नीचे रखिए, यही रिलेटिव डेंसिटी है। चलो आगे एक और चीज कर लेते हैं फिर। सर लिक्विड की डेंसिटी तो चलो ठीक है, ये ऊपर हो गया, वेरी गुड, बताइए वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, 1000। तो मैंने अगर ऐसा कुछ काम कर लिया होता कि रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो लिक्विड की डेंसिटी ऊपर, 1000 नीचे, समझ में आ गया सर, हो गया ना, ये तो हो गया। चलिए रिलेटिव डेंसिटी का मुझे मात्रक बताएंगे सब लोग, रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, फटाफट जल्दी बताइए। तो कहना सर रिलेटिव डेंसिटी में तो ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, कोई मात्रक नहीं भैया। हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी बटे 1000 कर दो, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है डेंसिटी बटे 1000 कर दो, परंतु अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी निकालना है तो कुछ नहीं करना, रिलेटिव डेंसिटी में 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिलेटिव डेंसिटी में 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से उस लिक्विड की आप लोग डेंसिटी भी, घनत्व भी निकाल सकते हैं। बताओ सबको क्लियर है इतना? चलिए अब जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी, अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी 1500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो जल्दी बताइए इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, फटाफट जल्दी से बताएंगे इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, बताओ जल्दी से। पहले क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए सब लोग, और दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए कि यदि किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी, अगर किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी 0.75 है, 0.75, तो जल्दी बताइए उसकी डेंस, उसकी लिक्विड की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, जल्दी बताइए। दोनों क्वेश्चन के फटाफट मुझे आंसर दे दे, क्या बात है। ओके चलो, पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर लिक्विड की डेंसिटी 1500 है, ठीक है 1500 रख दो बटे 1000, हाँ देखो एक बच्चा कह रहा है कौन है वसीम अकरम, कहां पढ़ रहा है भैया, 1500 में तुमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी। देखो डेंसिटी हमेशा दिखने में बड़ा होता है, हाँ, और रिलेटिव डेंसिटी दिखने में छोटा, तो
तो अगर रिलेटिव डेंसिटी बनाना है, छोटा बनाना है, 8000 से डिवाइड करो, 1500 बटे 8000 1.5 होगा, ठीक है। और डेंसिटी हमेशा दिखने में बड़ा होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी 0.7 है, डेंसिटी बनाना है 8000 से मल्टीप्लाई करा दो, 8000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बताओ, बताओ समझे कि नहीं समझे? नहीं तू नहीं समझा, समझ में आ जाए आया बताइए। चलो अब जल्दी से मुझे फटाफट जितने भी बच्चे हैं मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, मुझे सबसे पहले पारे की रिलेटिव डेंसिटी बताइए कितनी होनी चाहिए, मुझे वाटर की रिलेटिव डेंसिटी बताइए यानी पानी की रिलेटिव डेंसिटी बताइए कितनी होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट आपसे रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा हूं, ध्यान रखना। जल्दी से मुझे बताएंगे सब लोग, जल्दी से मुझे बताएंगे पेट्रोल की रिलेटिव डेंसिटी बताइए, तीन चीजों की मुझे जल्दी से रिलेटिव डेंसिटी बताइए कितनी होनी चाहिए, इन तीन चीजों की रिलेटिव डेंसिटी बताइए। नहीं बच्चा अजय कुमार आप एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप एएलपी के लिए नहीं, हाँ लेकिन आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा एक बार सेशन में सब लोग शेयर करेंगे, पहले दबा एक बार सेलेक्ट कीजिए। तो पारे की याद है पारा 13600 बटे 8000, तो जैसे ही बटे 8000 करेंगे तो 13.6 ये पारे की रिलेटिव डेंसिटी। सर पानी, पानी की डेंसिटी कितनी थी 8000, तो 1000 बटे 8000 पानी की रिलेटिव डेंसिटी वन, बहुत आता है पानी की रिलेटिव डेंसिटी डायरेक्ट आता है मेरे भाई। बता पेट्रोल 750 डेंसिटी, अभी अभी मैंने याद कराया यार, तो 750 बटे 8000 यानी 0.75। बताओ, तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि डेंसिटी अगर पता है तो रिलेटिव डेंसिटी तुरंत बताई जा सकती है, और अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी पता है तो डेंसिटी भी तुरंत बताई जा सकती है। समझ में आ रही नहीं आया बताइए जल्दी से, है ना, क्लियर है। अब एक छोटा सा पॉइंट और हो जाए जो कई बार आता है एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आप मार्केट में हाइड्रोमीटर भी देखते हो, है, और आप मार्केट में हाइड्रोमीटर भी देखते हो, हाइड्रो हाइड्रो, आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि ये क्या मेजर करती है, हाइड्रोमीटर क्या नापता है और हाइड्रोमीटर क्या नापता है, दोनों में अंतर है, एक में लगा है डी तो एक में लगा है जी, बताइए हाइड्रोमीटर से क्या नापते हो और हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं। तो हाइड्रोमीटर जो है ना, ये हाइड्रोमीटर ये यही नापता है रिलेटिव डेंसिटी, हो सकता है कि रिलेटिव डेंसिटी ना दिया जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, ये सब मान दिए जाएंगे स्पेसिफिक डेंसिटी, क्लियर है। कई बार कई सारे बच्चे ये याद कर लेते हैं कि हाइड्रोमीटर डेंसिटी मापता है, हाइड्रोमीटर डेंसिटी नहीं मापता, रिलेटिव डेंसिटी मापता है, इसलिए गलती नहीं करिए। जैसे देखो यदुवंशी जो है एएलपी दत्ता डेंसिटी बता रहे, नहीं बच्चा हाइड्रोमीटर डेंसिटी नहीं बताता, हाइड्रोमीटर बताता रिलेटिव डेंसिटी, वो अलग बात है कि रिलेटिव डेंसिटी पता करने पर हम डेंसिटी बता देते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। हाइड्रोमीटर क्या नापता है, तो कहना हाइड्रोमीटर नमी नापता है, जिसको आप मॉइस्चर या फिर कह सकते हो एक और नाम से जाना जाता है ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। समझ में आ गया, हाँ हाँ। अब यहां पर एक छोटी सी पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो भी कई बार पूछ लेता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक वैल्यूम। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, आप कमेंट चाहे मत करो, लेकिन आज के लेक्चर को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आज का लेक्चर देखिएगा यूट्यूब पर आप दोबारा कभी नहीं देखोगे, इसलिए नहीं देखोगे क्योंकि ये जो बेस्ट कंटेंट मैं अभी आपको देने वाला हूं वो आपको आप कभी नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक वैल्यूम सुनिए क्या होता है, विशिष्ट आयतन। तो जब भी कभी हमसे कहा जाता है कि किसी द्रव का विशिष्ट आयतन बताइए, तो विशिष्ट आयतन V बराबर होता है ऊपर आयतन नीचे द्रव्यमान। हाँ, इकाई द्रव्यमान का आयतन विशिष्ट आयतन होता है, इकाई द्रव्यमान का आयतन विशिष्ट आयतन होता है। देख लो सर, ये तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। नहीं, घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन पढ़ा था, लेकिन यह है आयतन बटे द्रव्यमान, तो विशिष्ट आयतन जो है वो आयतन बटे द्रव्यमान होता है। और मेरे भाई कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि जो विशिष्ट आयतन होता है वो डेंसिटी का उल्टा होता है, विशिष्ट आयतन डेंसिटी का उल्टा होता है, कॉपी में नोट डाउन कीजिए सब लोग ये बात, ठीक है। सर वाटर की डेंसिटी नापता है, भैया जहां से भी पढ़े हो जैसा भी पढ़े हो गलत पढ़े हो, वाटर की डेंसिटी नहीं नापता, हाइड्रोमीटर कभी डेंसिटी नहीं बताता, रिलेटिव डेंसिटी बताता है, उससे आप डेंसिटी भले ही निकाल लो।
समझेगा। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है किताब में डेंसिटी सही कर दिया गया हो, लेकिन डेंसिटी भी ऑप्शन में है और रिलेटिव डेंसिटी भी है तो रिलेटिव डेंसिटी ही सही होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो स्पेसिफिक वैल्यू ये हो गया। अच्छा, ये वाली स्लाइड में किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भैया। हाँ हाँ, चलिए एक नन्ना सा क्वेश्चन, ये अभी हमारे एएलपी, ये एएलपी 2018 का क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व भी कराया है 2019 में, एक्चुअली में पूछा गया था। अभी क्वेश्चन क्या कहता है इस बात को पहले समझो। देखो क्या, 2 सेंटीमीटर भुजा का लोहे का घन का द्रव्यमान बताइए, ध्यान से सुनो, कायदे में एकदम। सर इन्होंने बोला है कि मेरे पास एक घन है, एक क्यूब है, उसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, कितनी है बच्चा 2 सेंटीमीटर। फिर इसको ने इसका घनत्व भी दे दिया, घनत्व दे दिया 7.8 और आगे मात्रक दिया गया है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सुन रहा है ना सब लोग। और तुमसे बोला जा रहा है कि बताइए इसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए, और द्रव्यमान की जो ऑप्शन है वो देखिए किसमें है, सर ऑप्शन भी ग्राम में है। तो एक काम करते हैं, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? सर द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, पता है। तो घनत्व तो तुम्हें पता है 7.8, लेकिन बात जब आयतन की करते हैं तो भुजा का तुम्हें क्यूब करना पड़ेगा, बताइए भुजा का क्या करना पड़ेगा, क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर मिल जाएगा वो 62.4 ग्राम मिल जाएगा। ध्यान रखना ये एएलपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन 72 का पेपर 2019 में हुआ था इसलिए मैंने 2019 लिख दिया। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए डरिएगा बिल्कुल नहीं, एकदम आसान सवाल है और एकदम सही तरीके से आपको अटेम्प्ट करके बताया दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है सीबीटी 2 में आए हुए सवाल है, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो ये भी गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, लकड़ी के टुकड़े के घन के किनारे की लंबाई, मतलब तुम्हारे पास साफ साफ बोला गया है कि ये घन है और घन के किनारे की लंबाई, मतलब तुमसे भुजा का मान पूछा जा रहा है कि भुजा ये भुजा कितनी है। भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं, ए का मान पूछा गया सेंटीमीटर में, वजन 80 न्यूटन दिया गया है और मेरे भैया घनत्व तो भी दिया गया है कितना 1, वैसे लकड़ी का 1 होता नहीं है लेकिन दिया है तो चलो मान लेते हैं। तो वजन कितना है, वेट 80 न्यूटन है, देख लो। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर वेट की जगह पे एम इंटू जी कर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन द्रव्यमान का मतलब होता है घनत्व गुणे आयतन इंटू जी बराबर 80। बताओ भाई, डब्ल्यू की जगह एम इंटू जी किया और ठेला लगा दिया, बट यहां पर अभी गलती हो जाएगी क्योंकि 80 था तुम्हारा किसमें, सर 80 था तुम्हारा न्यूटन में। पूरा सवाल जितना आसान है ना उतना आसान है नहीं है, और यह सवाल भी आपको पता है यह 23 जनवरी 2019 की शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो मेरे भाई घनत्व तो कितना है, सर घनत्व तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, देख लो ग्राम। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम बनाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटू क्या हो जाएगा सर, इंटू आयतन हो जाएगा, सर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू जी की मान 10 हो जाएगा, जी का मान कितना हो जाएगा 10, इंटू कितना हो जाएगा 80, चेक कीजिए। तो एक काम करते हैं, 1 0 से 1 0 उठा लेते हैं तो आयतन बराबर हो जाएगा 8/1000, बट अभी ये आयतन आएगा मीटर क्यूब में। तो एक काम करते हैं ना, आयतन का मतलब क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो भुजा का क्यूब 8/1000, तो यहां से आप जल्दी से मुझे बताएंगे ए का मान कितना होगा। तो आप अगर घनमूल ले लेते हैं तो ऊपर 2 नीचे 10, लेकिन ये मीटर में आएगा 2/10, तो कहना अगर इसको सेंटीमीटर बनाना है तो 2/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनली देखिए कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सवाल कठिन आसान सवाल नहीं था, मैं पहले बता दूं, इसमें सबसे बड़ा जो लोचा होता है वो इस बात में होता है कि 80 न्यूटन दिया गया है और घनत्व तुम्हें ग्राम में दिया गया है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सर प्लीज बताइए मैं आपसे कैसे मिल सकता हूं, अजय कुमार हम लोग लास्ट में बात करें हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी तरह के कोर्स की जानकारी या मुझसे बात करनी है या किसी भी तरह का कोई डाउट है आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, ये आपको मेरे से भी बात करा देंगी। ओके, क्लियर है ना। चलो अब हम लोग आगे की कुछ थ्योरी देख लेते हैं, उससे पहले मैं फिर से बता दूं, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती है, क्योंकि एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स भी स्टार्ट है, उसके अलावा कंप्लीट सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पार्ट ए पार्ट बी ये भी स्टार्ट है।
अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले बेसिक साइंस इंजीनियरिंग स्टार्ट किया है, आप एडमिशन ले सकते हो। पार्ट बी मुश्किल से 2-4 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, सारी की सारी ट्रेडें आप इसलिए ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है। ये डिस्काउंट पूरा का पूरा 67% डिस्काउंट चल रहा है। आपको पता है कि 2400 रुपए का जो दाम है वो 799 है। ये ऑफर केवल आज रात तक के लिए है। आप एप्लीकेशन पे जब जाएंगे तो वहां पर आपको एक कूपन कोड लगाना है UD10, और जैसे ही कूपन कोड लगाएंगे तो आपका 2400 रुपए का दाम 799 हो जाएगा। कौन सा एप्लीकेशन सर डाउनलोड करना है? डाउनलोड करना है माई पाठशाला, और ध्यान रखिएगा माई पाठशाला का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। किसी तरह का कोई डाउट है तो मैं एक नंबर लिख देता हूं, आप इस पर भी कॉल कर लीजिए 9696802411। ये नंबर हो सकता है बिजी बताए क्योंकि कॉल्स काफी रहती है, तो 6393125760 आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने बता रहा हूं क्योंकि यही वाली बात है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। आज वाला चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। हाँ ठीक है, चलो बताइए। तो नेक्स्ट हेडिंग आपके कॉपी में क्या है? ससंजन और आसंजन बल को इश्यू एंड एड इश्यू फोर्स। अब थोड़ा सुनो, ध्यान सुनो, मैं बताता हूं। डेफिनेशन लो, मारो गोली। अभी जो मैं आपको समझाता हूं बस आप उसको समझो। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहां पर मैंने एक लिक्विड भर दिया, और इस लिक्विड को मैंने भर दिया पानी। इस लिक्विड को क्या बोला? पानी। इस लिक्विड को मैंने क्या बोला? सर ये लिक्विड जो है हमारा वाटर है, वाटर है। उसके बाद आपको ये पता है कि ऊपर हवा में एयर होगी, और मैंने कह दिया कि ये जो बर्तन है ये बर्तन किसका है? कांच का है। बस ध्यान से सुनिए ना, ये बर्तन क्या है? कांच का। अभी वहां भूल जाइए, बस आप सुनिए। तो मैंने यहां पर एक कंटेनर दिखाया जिसमें पानी भरा, ऊपर हवा है, कांच है। सबकी डेंसिटी मैं आपको बता चुका हूं, पानी की डेंसिटी 8000, हवा की डेंसिटी 1.22, कांच की डेंसिटी 2500। अब ध्यान सुना। तो मेरे भाई अगर मैं पानी के अंदर एक बीच में कोई पानी का एटम ले लिया, यानी ये जो एटम दिखाया है ना मॉलिक्यूल्स, ये पानी का ही दिखाया है, तो पानी के एटम पर चारों तरफ से क्या भरा हुआ है? तो कहना पानी के एटम पे चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, तो चारों तरफ से बताइए जो फोर्स लगेगा वो कौन फोर्स लगाएगा? तो कहना पानी के इस एटम पे चारों तरफ से पानी है, इसीलिए पानी के इस एटम पे पानी ही तो फोर्स लगाएगा। तो जब अपनी बरादरी में फोर्स लगाया जाए, जी हां है, पानी को पानी खींचे, तो एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य, देखो एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजन बल कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? इंग्लिश में बोलते हैं कोएशियो फोर्स। तो पानी के एटम पर चारों तरफ से पानी ही फोर्स लगाएंगे, चारों तरफ से पानी ही फोर्स लगाएंगे, तो ये चारों तरफ से बताइए कौन सा फोर्स लगेगा? सर चारों तरफ से लगेगा कोएशियो फोर्स, ससंजन बल। बताइए इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए ससंजन बल समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं एक और एटम पे। मान लीजिए पानी का ये एटम है जो एकदम टॉप पर है, तो आप मुझे बताइए पानी का ये एटम जो टॉप पर है तो इस पर क्या होगा? नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे पानी के एटम, बताइए। ऊपर की ओर कौन फोर्स लगाएंगे? तो कहना ऊपर की ओर से फोर्स लगाएंगे हवा के एटम, हवा के एटम। लेकिन जो मैंने एटम माना था, जो मॉलिक्यूल्स अणु माना था, परमाणु माना था, वो नीला वाला ये था, तो नीचे की तरफ पानी के ही एटम फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की ओर हवा के एटम फोर्स लगा रहे हैं, तो बताइए नीचे वाला कोएशियो फोर्स हो जाएगा ससंजन बल, ऊपर वाला एडेशिव फोर्स हो जाएगा असंजन बल। ठीक है, तो आसंजन बल क्या होता है? कहना आसंजन बल का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। विभिन्न प्रकार का मतलब क्या हुआ? जैसे कि पानी और एयर के मध्य, पानी और एयर के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा सर वो हमारा विभिन्न प्रकार का हो गया, है ना। इसी तरीके से पानी और कांच के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा सर ये विभिन्न प्रकार का हो गया, इसे बोलते हैं आसंजन बल यानी एडेशिव फोर्स। सर एक ही प्रकार का क्या हुआ? एक ही प्रकार का मतलब है कि पानी और पानी के मध्य, पानी और पानी के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सर ये हमारा ससंजन बल हो गया। पानी और पानी के मध्य यानी एक ही प्रकार के आइटम के मध्य ससंजन बल, विभिन्न प्रकार के आइटम के मध्य आसंजन बल। बताओ
क्लियर है। अब चलो अब देखो एक और सुनिए सर, अगर पानी का ये वाला आइटम देखा जाए, ये वाला आइटम, तो ये पानी के इस वाले आइटम पे अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा वो पानी के आइटम ही लगाएंगे, दैट मींस कोहेसिव फोर्स। लेकिन इधर की ओर कांच है, इधर की ओर कांच है, तो कांच जो फोर्स लगाएगा वो बताइए कौन सा फोर्स लगाएगा, कहेगा एडहेसिव फोर्स, आसंजन बल। बताइए तो आप ससंजन बल और आसंजन बल समझ में आ गया ना, एक बार थम्स अप करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो पहली सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि सर दोनों बल आकर्षण बल होते हैं कि दोनों प्रतिकर्षण, कि एक आकर्षण दूसरा प्रतिकर्षण। पहली कंफ्यूजन दूर कीजिए, दोनों के दोनों ध्यान रखना आकर्षण बल होते हैं, चाहे ससंजन हो चाहे आसंजन हो, दोनों के दोनों आकर्षण बल होते हैं। पहली कंफ्यूजन दूर कीजिए। दूसरी बात सुनिए सर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, बहुत क्लियर कट में बात बता रहा हूं, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है सर उसी का आकर्षण बल भी ज्यादा होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है सर उसी का आकर्षण बल भी ज्यादा होता है। ठीक है चलो अब जल्दी से मुझे सब लोग, मैं बहुत क्लियर कट बात बता रहा हूं, सुनते रहना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका आकर्षण बल ज्यादा, बहुत ध्यान से सुनना कायदे के साथ। सर यहां बताइए तुमने पानी भरा, कांच की डेंसिटी कितनी होती है 2500, पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000। अब मुझे सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहां कांच का आकर्षण और पानी का आकर्षण, दैट मींस एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव क्या है? कांच का आकर्षण, और कोहेसिव यानी ससंजन क्या है? पानी का आकर्षण। बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, फटाफट बताइए। हाँ सिर्फ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग लेना चाहो वो भी अवेलेबल है, उसका दाम शायद 399 के आसपास है, 60 घंटे का सिलेबस है बच्चा वो है। अब जिससे मैंने पूछा कि कांच का आकर्षण और पानी का आकर्षण में कौन ज्यादा, कहना कांच की सर डेंसिटी ज्यादा, कांच की डेंसिटी ज्यादा, इसीलिए कांच का आकर्षण, दैट मींस ए ज्यादा, सी कम, एडहेसिव फोर्स ज्यादा और कोहेसिव फोर्स कम, है ना। तो एक बात मुझे बताइए, अगर कांच की डेंसिटी ज्यादा कांच का आकर्षण ज्यादा, तो पता पानी क्या करता है, ये कांच क्या करता है, पानी को अपने ऊपर चिपका लेता है, आ चिपक जा। इसलिए ध्यान रखना पानी कांच को गीला करता है। पानी कांच को क्यों गीला करता है? क्योंकि कांच की डेंसिटी ज्यादा आकर्षण ज्यादा। बताइए समझ में आया नहीं आया? सर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर यहां पानी की जगह पर तुमने भरा होता पारा, अगर तुमने पानी की जगह पे भरा होता मेरे भाई पारा, तो बताइए पारे की डेंसिटी हो जाती 13600, देख लो है ना। अगर यहां भरा होता पारा तो पारे की डेंसिटी 13600 हो जाती और कांच की डेंसिटी तो 2500 है, समझे? पारे की 13600, कांच की 2500, भाई साहब तो मतलब पता है क्या है सर, इस बार पारे की डेंसिटी ज्यादा है तो पारे का अट्रैक्शन इस बार कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, पारे का आकर्षण ज्यादा हो जाएगा, तो पारे का आकर्षण ज्यादा हो जाएगा, तो पारा इससे थोड़ा दूर रहता है। तो कभी भी पारा कांच को डीला नहीं करता, कभी भी पारा कांच को डीला नहीं करता। बताइए बात सबको समझ में आ रही ना? तो कई बार क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, पानी कांच को डीला करता है परंतु पारा नहीं, क्यों? क्यों? उस क्यों का मैं जवाब दे दूं, कॉपी में सब लोग नोट कर लेना, क्यों पानी कांच को डीला करता है पारा नहीं, क्यों सर? उसका आंसर होता है ससंजन बल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसलिए मुझे बताना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। समझ में आया? बताइए समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, आगे बढ़ाया जाए। हाँ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है बच्चों को, बहुत कंफ्यूज करती है हेडिंग, विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं श्यानता। हालांकि मैं विस्कोसिटी के बारे में एक एक पॉइंट बताऊंगा, मैंने डेफिनेशन भी ले रखी है विस्कोसिटी की, हाँ, लेकिन मैं पहले आपको समझा देना चाहता हूं कि भाई विस्कोसिटी है क्या एक्चुअली में यार, ऐसा थोड़ी ना है कि अरे आईटी काशित राज जी आप उसका पूरा सिलेबस देखिए, उसमें आईटी लिटरेसी हेल्थ इन्वायरमेंट सब कुछ इन्वॉल्व है दोस्त, है ना। अगर मैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग दे रहा हूं तो पूरा दे रहा हूं ना दोस्त, ठीक है। चलो शुरुआत की जाए विस्कोसिटी की, श्यानता की शुरुआत की जाए, तैयार है सब लोग? क्योंकि काफी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हेडी नहीं है, क्वेश्चन बन नहीं पाते जब अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, हैं
समझना बड़े ध्यान से। जब हम लोग बात विस्कोसिटी की करते हैं, श्यानता की करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं न्यूटन चचा, न्यूटन नहीं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम में बात बताई जाती है कि जब कोई द्रव बहता है, जब भी कभी कोई द्रव बहता है तो हमेशा ध्यान रखना, द्रव जब भी कभी बहता है तो ऊपर वाली जो लेयर होती है हमेशा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम होती है। जब भी कभी कोई द्रव बहता है तो द्रव बहते समय एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम। है ना, कई बार इस प्रोफाइल का नाम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इस प्रोफाइल का नाम होता है परवलयाकार, जिसको आप लोग पैराबोला बोलते हो। क्या बोलते हैं? पैराबोला। हरा, तो याद रखना जब भी कभी कोई द्रव बहता है तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं आधार से वाई डिस्टेंस ऊपर जाऊं और एक छोटी सी पट्टी मान लू, मैंने वाई डिस्टेंस ऊपर जाकर एक छोटी सी पट्टी मान ली, उस पट्टी को मैंने डीवाई कह दिया, मोटाई डीवाई। यह है वो पट्टी बच्चा, यह है वो पट्टी जिसको मैंने कह सकते हो y डिस्टेंस, आधार से y डिस्टेंस ऊपर पर एक पट्टी मान ली, तो वेलोसिटी में अंतर मिलेगा। अगर नीचे वाली वेलोसिटी मैंने u मानी है तो ऊपर वाली वेलोसिटी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी, यानी u प्लस du, u प्लस du। फिर से सुनिए, नीचे वाली वेलोसिटी मैंने u कही, ऊपर वाली वेलोसिटी u प्लस du, और आधार से y दूरी पर एक पट्टी मानी जिसकी मोटाई यहां से लेकर यहां तक ये कितना माना सर, ये dy माना। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ ना, क्लियर है। अब मैं आगे बात करता हूं, सुनो, जब भी कभी कोई द्रव बहता है तो ऊपर वाली परत का वेट नीचे वाली परत के वेट से ज्यादा होता है, ऊपर वाली परत का वेट नीचे वाली परत के वेट से ज्यादा होता है, दोनों परतों के मध्य एक स्पर्श रेखी, एक टेंजेंशियल फोर्स उत्पन्न होता है, जो कि इन गति का, इस विरोधी गति का, ये कहिए इनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। देखो मैं बताऊं, अगर दोनों परत सेम गति से आगे बढ़ रही होती तो कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई घर्षण नहीं, लेकिन अगर एक की परत की वेलोसिटी ज्यादा है दूसरे की कम है, तो अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो कंफर्म इनके बीच में घर्षण बल आएगा, और घर्षण बल आएगा तो उसी घर्षण बल को आने की जो घटना होती है उसी को हम लोग विस्कोसिटी या श्यानता कहते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं बता दिया, प्रॉपर वे में समझिए, और प्रॉपर वे में जब तक कॉपी में नोट डाउन नहीं होगा नहीं याद होगा। सुनिए, जब कोई द्रव बहता है तो ऊपर वाली परत का वेग नीचे वाली परत के वेग से अधिक होता है, इस प्रकार बहते हुए द्रव में किन्हीं दो परतों के मध्य आने वाला घर्षण बल श्यान बल कहलाता है, यानी द्रव में आने वाला घर्षण बल श्यान बल कहलाता है, और इस घटना को क्या बोलते हैं? श्यानता कहते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं? श्यानता कहते हैं। मैं आपको बताऊं, देखो ठोसों में भी, सॉलिड बॉडी में भी घर्षण आता है, ध्यान से सुनना, द्रवों में भी घर्षण आता है मेरे भाई, और ध्यान रखना गैसों में भी घर्षण होता है, घर्षण इन तीनों में होता है, बट अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठोसों में जो घर्षण आता है उसे आप घर्षण यानी फ्रिक्शन कहते हो, द्रवों में जो घर्षण आता है उसे फ्रिक्शन नहीं, उसे श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, द्रवों में आने वाला घर्षण श्यानता होता है, और गैसों में आने वाला जो घर्षण होता है उसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स? ड्रैग। इंग्लिश और हिंदी इसकी सेम है। तो आपको अगर कम शब्दों में बोला जाए, सर ईटा वीडियो कहां मिलेगा? ईटा वीडियो मिलेगा वो जो लिंक है आपके सामने, देखिए एक लिंक आई है, उस पर क्लिक करके आप उस नंबर पर कॉल कर लो, इसका पूरा थ्योरी बेस आपको मिल जाएगा। तो मैंने ये कहा कि द्रव में आने वाला घर्षण सर श्यानता होता है, दो लेयर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा, सापेक्ष गति होगी, तभी ऐसा होगा। चलो सर ठीक है, यहां तो सापेक्ष गति हो रही थी सर, यहां तो रिलेटिव मोशन हो रहा था, मैंने कहा बिल्कुल हो रहा था। अगर यहां पर बच्चा रिलेटिव मोशन हो रहा है, सापेक्ष गति हो रही है, अगर यहां पर रिलेटिव मोशन हो रहा है, सापेक्ष गति हो रही है, तो मानी बात है इसमें विस्कोसिटी भी आएगी, यानी श्यानता भी आएगी। क्या आएगी? श्यानता भी आएगी, दोनों चीजें आएगी, मतलब रिलेटिव मोशन है, श्यानता है। हाँ, लेकिन अगर सर ऐसा हो जाता कि द्रव की सभी लेयर समान गति से वेलोसिटी टर्ने लगती, द्रव की सभी लेयर समान गति से वेलोसिटी टर्ने लगती, समान गति से वेलोसिटी टर्ने लगती, तो आप मुझे बताइए
अब इनके बीच में सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ जल्दी से। तो अगर समान गति से वेलोसिटी करने लगती तो कहते इनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, सापेक्ष गति नहीं है। और सापेक्ष गति नहीं है तो इसका मतलब इस द्रव में कोई भी श्यानता यानी कोई भी घर्षण नहीं है। बहुत मुद्दे की बात मैं बता रहा हूं, बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूं, ओके ठीक है, तो समझ आ रहे ना। अच्छा अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुना। एक छोटा सा टर्म डिफाइंड होता है, वो टर्म बहुत पूछा जाता है। देखो ये जो लेयर थी ना, ये लेयर इसमें नीचे की वेलोसिटी u, ऊपर की वेलोसिटी u प्लस du। अगर मैं यहां पर ऐसे मिलाकर इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूं, आप देख पा रहे हो ना, ये छोटा सा ट्रायंगल अगर मैं यहां से खींचकर बाहर निकाल लूं, है ना। उमंड यदुवंशी जी कुछ पूछ रहे हैं, मैं टीम को कमेंट करूंगा। टीम आशुतोष तुम ना बोलते जाना, अगर कोई बच्चा कमेंट पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको रिप्लाई करते जाना है, मैं थोड़ा आज पढ़ा लेता हूं, बड़ा आनंद आ रहा है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के बाहर कर दूं, तो मेरे भाई ये देखो, ये ट्रायंगल उठा के मैंने इसे बाहर कर दिया, थोड़ा सा जूम कर दिया है। तो आप मुझे बताइए, ये मुझे बताइए, नीचे की जो ये है ये डीवाई हो जाएगी, देखो ये डीवाई, और नीचे वाली वेलोसिटी यू, ऊपर वाली यू प्लस डी यू, तो एक्स्ट्रा जो बचेगा वो डी यू हो जाएगा। एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? डी यू। तो आप मुझे बताइए जल्दी से, अगर यहां की यहां का एंगल मैं थीटा मान लू, इसका ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है क्योंकि छोटा है तो मैं इसको ट्रायंगल मान सकता हूं। अगर यहां का एंगल थीटा मान लू तो मुझे भाई यहां से टेन थीटा कितना हो जाएगा? तो कहना टेन थीटा हो जाता है डी यू बटे डी वाई। देखो बच्चा, ये जो डी यू बटे डी वाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई कई बार पूछा जाता है डी यू बटे डी वाई। इसे बोलते हम लोग वेग प्रवणता, इसे बोला जाता है वेग प्रवणता। इंग्लिश में सब लोग लिखेंगे वेलोसिटी स्लोप, इंग्लिश में लिखेंगे वेलोसिटी स्लोप या वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। हरा मैं बोल देता हूं, मैं कमेंट में रिप्लाई करने के लिए बोल देता हूं, है ना। और देखिए सर, डी यू बटे डी वाई को अगर बोला जाए, वेग प्रवणता बोलते हैं, और इसका मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो डी यू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, नीचे डी वाई मीटर, तो मीटर पर सेकेंड बटे मीटर, सर वेलोसिटी स्लोप का मात्रक 1/सेकेंड होता है। कॉपी में नोट डाउन करेंगे जल्दी से, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। सर इंग्लिश का क्लास भी होता है क्या? इंग्लिश की क्लास के लिए आपको माई पाठशाला में जाना पड़ेगा बच्चा, ये पाठशाला रेलवे एग्जाम है ना, ठीक है। और सुनिए, एमटीएस की क्लास भी माई पाठशाला में ही होगी दोस्त। ये हो गया, अब यहां से तुम्हें नियम याद करना होता है, उस नियम को बोलते हैं न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम। पता है जितने भी द्रवों में न्यूटन्स लॉ है ना, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अगर पूरा लिखना हो तो मैं इसको लिखता हूं न्यूटन का श्यानता नियम। कई बार ये आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यानी न्यूटन का श्यानता नियम। कॉपी में नोट डाउन करेंगे न्यूटन का श्यानता नियम क्या होता है। न्यूटन के श्यानता नियम में यह बात बताई गई थी कि देखो भाई, जब भी कभी द्रव बहता है, ऊपर वाली परत का वेग ज्यादा, नीचे वाली परत का वेग कम, उससे कम उससे कम, तो इन परतों के मध्य रिलेटिव मोशन आता है, जिसकी वजह से इन परतों के मध्य एक कर्तन प्रतिबल आ जाता है। और कर्तन प्रतिबल को इंग्लिश बोलते हैं बच्चा सियर स्ट्रेस। क्या बोला जाता है? सियर स्ट्रेस। तो जब भी कभी कोई द्रव ऐसे बहता है कि दो परतों के मध्य रिलेटिव मोशन आए, तो उनके मध्य एक कर्तन प्रतिबल मतलब सियर स्ट्रेस आ जाता है बच्चा। और सियर स्ट्रेस टाउ का इन्होंने फॉर्मूला दिया था, या टाउ पहले बोला था, सियर स्ट्रेस टाउ समानुपाती होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वेग प्रवणता के। टाउ समानुपाती होता है, सियर स्ट्रेस समानुपाती होता है डायरेक्टना वेलोसिटी स्लोप के या फिर वेग प्रवणता के। बट जैसे ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं ना, तो एक कांस्टेंट भी लगाते हैं, और वो कांस्टेंट होता है टाउ बराबर म्यू, और आगे हो जाता है डी यू बाई डी वाई। तो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है कि न्यूटन के श्यानता नियम में, न्यूटन के श्यानता नियम में ध्यान रखना, कह सकते हो टाउ बराबर म्यू डी यू बटे डी वाई। ये म्यू क्या है मैं अभी थोड़ी देर बताता हूं, म्यू बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ले इसी के बाद एक और चीज आपको याद रखनी है, एक और फॉर्मूला याद रखना है, जिसको बोलते हैं श्यान बल। इंग्लिश में बोला जाता है इसको विस्कस फोर्स,
क्या बोला जाएगा? विस्कस फोर्स। तो कॉपी में आगे आपसे पूछा जाए कि भाई क्या होता है विस्कस फोर्स, तो कहना विस्कस फोर्स अगर निकालना है तो ये जो शियर स्ट्रेस आया है, कर्तन प्रतिबल आया है, इस कर्तन प्रतिबल के फॉर्मूले में बस आप एरिया का मल्टीप्लाई करा दो म्यू इंटू डीयू बटे डीवाई में, आप एरिया का मल्टीप्लाई करा दो सर, यहां से ये पता चल जाएगा तुम्हें विस्कस फोर्स। देखो कॉपी में नोट डाउन कर ले, पीडीएफ नहीं मिलेगा बच्चा इसका पीडीएफ पाठशाला रेलवे एग्जाम में। मैं फिर से हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे बहुत सारे बच्चों को पता है पीडीएफ कहां मिलेगा, आप लोग कमेंट पर रिप्लाई कर दिया करो और नए लोगों को, ताकि मैं पूरा तरीके से ध्यान पढ़ाने में दू, नहीं दूंगा तो बहुत सारी चीजें छूट जाएगी दोस्त जो मुझे बतानी है ना, तो आप सब लोग भी थोड़ा रिप्लाई करते रहिए बच्चों को, मुझे करिए ना करिए चलेगा। देखिए कर्तन प्रतिबल टाउ बराबर म्यू डीयू बटे डीवाई, फोर्स निकालना है तो प्रतिबल में एरिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए निकल आएगा है। अब देखिए यहां पर ये जो म्यू आया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चा, इस म्यू को बोलते हैं श्यानता, श्यानता गुणांक। म्यू को क्या बोला जाता है? श्यानता गुणांक, ध्यान रखना। और म्यू तुम्हारा श्यानता गुणांक है, इंग्लिश में बोला जाता है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉपी में नोट डाउन करना कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, बताइए। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे पढ़ाऊं? फटाफट जल्दी बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जल्दी बताइए। ओके, पाठशाला रेलवे एग्जाम ये आप चैनल सर्च कर लो है। चलो आगे देखिए जरा, ये भी मैंने बताया श्यानता की मेन परिभाषा क्या होती है, ताकि आपकी कॉपी में नोट्स भी बनती रहे। लेकिन अभी श्यानता खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, अभी बहुत सारी बातें बाकी है श्यानता के बारे में, बस सुनते रहिए सुनते रहिए। विस्कोसिटी के बारे में क्या क्या बातें, बहुत ध्यान सुना। देखो सर अभी अभी आपने कहा श्यानता, अगर मैं आपसे पूछूं कि श्यानता जो है यानी विस्कोसिटी जो है यह बताइए गैसों की प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड की होती है, तो कहना विस्कोसिटी जो है, ध्यान से समझिएगा सर, विस्कोसिटी जो है वो गैसों की प्रॉपर्टी भी होती है, और ध्यान रखना विस्कोसिटी जो है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी भी होती है, दोनों में पाई जाती है श्यानता। श्यानता गैसों की प्रॉपर्टी भी है, श्यानता लिक्विड की प्रॉपर्टी भी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनते जाना ध्यान से, एक एक पॉइंट बताऊंगा, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, देख लीजिए जाए। दूसरा पॉइंट सुनिए सर, ये सब ठीक है बात गैसों की करते हैं, तो आप मुझे बताइए गैसों में अगर बात करते हैं या बात करते हैं पहले लिक्विड की यानी द्रवों की, तो आप मुझे बताइए द्रवों में श्यानता का रीजन क्या होता है, कारण जिसको बोलते हैं, और गैसों में बताइए श्यानता का कारण क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। बताइए द्रवों में श्यानता का कारण क्या है और कह सकते हो गैसों में श्यानता का कारण क्या है, तो कहना लिक्विड द्रव, तो द्रव में श्यानता किस वजह से आई? बच्चा श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, इस बात को याद रखना। श्यानता का क्या मतलब होता है सर? श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, गाढ़ापन। जो लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा अर्थात जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी सर, उसी की श्यानता ज्यादा होगी, ठीक है सर। इसीलिए लिक्विड में श्यानता का जो कारण होता है ना, वो होता है ससंजन बल, मतलब कोएसिव फोर्स। ससंजन बल ध्यान रखना ये श्यानता का कारण होता है किसमें? लिक्विड में, है ना, क्योंकि ससंजन बल की वजह से ही तो गाढ़ापन आएगा। अगर ससंजन बल की वजह से गाढ़ापन आएगा सर, लिक्विड में गाढ़ापन श्यानता लाता है, ससंजन बल की वजह से श्यानता आती है। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से, बताइए जल्दी से ससंजन बल क्या होता है, तो कहना जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड का ससंजन बल कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, है? अच्छा मॉलिक्यूल दूर दूर हो रहे, ससंजन बल कम हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो श्यानता है म्यू है वो कम हो जाता है। तो द्रव में ध्यान रखना तापमान बढ़ाइए श्यानता कम होती है, लेकिन अगर गैसों में बात करते हैं कि गैसों में बताइए श्यानता का रीजन क्या होता है, तो कहना गैसों में श्यानता का रीजन होता है आणविक टक्कर। सीधा सीधा बोलिए बस, आणविक टक्कर। इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिखेंगे मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, आणविक टक्कर, अणुओं की टक्कर, बस इतना लिखिए। अगर मैं पूछूं गैसों में
टेम्परेचर डेसोट में सैमतर रीजन क्या होता है, आर्विक टक्टर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। अब सुनो, मान लीजिए तुमने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, तो डेसोट जब आप टेम्परेचर मेरे भाई बढ़ाते हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स तेज तेज गति से मोशन करने लगते हैं, और जब तेज तेज गति से मोशन करते हैं तो आणविक टक्कर बढ़ जाता है, इसीलिए डेसोट की श्यानता बढ़ जाती है, इसीलिए डेसोट की श्यानता बढ़ जाती है। अरे समझ रहे हो बबुआ? तो टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की श्यानता क्या होती है, सर टेम्परेचर बढ़ाने से गैसों की श्यानता क्या होती है, इसको दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है मेरा ये ग्राफ। मेरा ये ग्राफ देखो, अगर मैंने यहां पर एक ग्राफ ऐसे बनाया है और एक ग्राफ ऐसे बनाया, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऊपर वाला ग्राफ किसका है, नीचे वाला ग्राफ किसका है, जल्दी कमेंट करके बताइए। हाँ, मॉलिक्यूलर फोर्स भी कह सकते हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं कह सकते, सॉरी मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज कहिए, जिसे आणविक संवेग टक्कर कह सकते हैं, है ना, वो बोलिए। लिपस्टिक में क्या होता है भाई, लिपस्टिक में भी ससंजन बल ही होता है, हैं? देखो, तो मैंने आपसे ये कहा, ध्यान सुना, मैंने आपसे कहा इनमें से बताइए, इनमें से बताइए कौन गैस का है कौन लिक्विड का। तो कहना टेम्परेचर बढ़ाने से श्यानता घट रही है, जिसमें श्यानता घट रही है सर वो लिक्विड है, यानी वो सर द्रव है, और जिसमें श्यानता बढ़ रही है सर वो बताइए क्या है, सर वो है गैस। तो श्यानता का प्रभाव, श्यानता या टेम्परेचर का प्रभाव लिक्विड में क्या होता है, गैस में क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए, बताइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा एक चीज और है सर, जिसका गाढ़ापन ज्यादा होता है उसी की श्यानता ज्यादा। अच्छा सर, सबसे गाढ़ा लिक्विड कौन सा था, तो कहना अगला पॉइंट लिखेंगे सबसे गाढ़ा लिक्विड था पारा, डेंसिटी 13,600, उससे कम पानी, उससे कम पेट्रोल, और उससे कम कौन था सर, पानी से कम लाइए पहले तेल, तेल और उससे कम लेके आइए पेट्रोल। तो बच्चा ये जो मैंने आपको अरेंजमेंट लिखा ना, ये अरेंजमेंट तुम्हारा विस्कोसिटी का अरेंजमेंट है, श्यानता का है। देख लो, पारे की श्यानता सबसे ज्यादा होगी, उससे कम पानी की, उससे कम तेल की, उससे कम पेट्रोल की, बताइए। यहां तक भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ अभी खत्म नहीं हुआ कहानी। देखो अब देखो आगे आगे देखो सर, ये जो आपने म्यू बताया, जिसको आपने श्यानता बोला ना, म्यू श्यानता जिसको बोला सर, इसके मात्रक बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप कॉपी में हेडिंग डालेंगे म्यू के अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यू के अन्य मात्रक, श्यानता के अन्य मात्रक। तो मेरे भाई जब भी कभी श्यानता के मात्रक की बात आती है तो सबसे पहला जो मात्रक होता है वो एमकेएस में होता है, फिर अगला मात्रक तुम्हें याद रखना है एसआई में, और फिर अगला मात्रक याद करना सीजीएस में। इसे आप जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सके उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कीजिए ना। देखो श्यानता का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, निकाल सकते हैं पिछले वाले फॉर्मुले से, कोई हेडेक वाली बात नहीं है। लेकिन श्यानता का जो एमकेएस मात्रक होता है उसमें न्यूटन की जगह किलोग्राम फोर्स सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा एमकेएस मात्रक होता है। और श्यानता का अगर कोई सीजीएस मात्रक पूछे तो सीजीएस मात्रक में न्यूटन की जगह डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पता है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, कई बार ये बच्चे गलत कर देते हैं, बताइए। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए एमकेएस मात्रक, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक। आप सुनो, ये जो एसआई मात्रक है ना, इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल, और सेकेंड तो उसी तरीके से, तो कई बार इसको पास्कल सेकेंड लिखा जाएगा। और याद रखना ये जो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चा, इसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसी को बोला जाता है पॉइज। तो ये ध्यान रखना, ये जो पॉइज है ना, ये पॉइज है ना सर, लिक्विड में विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोहेसिव फोर्स हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है दोस्त, एकदम हो सकती है इसमें डूबता है ना। तो मैंने कहा कि पॉइज इसका सीजीएस मात्रक होता है। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है कि बताइए सर, अगर मैं एक पास्कल सेकेंड की बात करता हूं तो इसमें कितना पॉइज होता है। ये एक बार नहीं, दस दस बार आता है। यानी एसआई पद्धति को सीजीएस पद्धति बनाना है तो मेरे भाई न्यूटन को डाइन बनाओ 10^5, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाओ 10^4, 5 ऊपर 4 नीचे कैंसिल हो जाएगा सर, 10 पॉइज आ जाएगा। देख लो
तो एक पास्कल सेकेंड में, वन पास्कल सेकेंड में कितना पॉइज होता है? कहना 10 पॉइज होता है। एक पास्कल सेकेंड में कितना पॉइज होता है? 10 पॉइज होता है। सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में, मैं दावा करता हूं इस बात का, बताइए। धन्यवाद धन्यवाद विजेंद्र जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है बताइए। कई बार ये उल्टा भी पूछा जाता है, उल्टा भी पूछा जाए, उल्टा सीधा सब करके बता दीजिएगा, कोई डाउट मत रखिएगा अपने पास। इतनी बात सबको समझ में आ रही? जल्दी बताइए, विस्कोसिटी सबको समझ में आ रही? आगे बढ़ा जाए। अच्छा मैं आपको बता दूं, एक और चीज आपकी इंफॉर्मेशन है, देखो एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग स्टार्ट हो चुका है, जैसे मैंने अभी पढ़ाया ना उससे लाख गुना अच्छा। कोर्स की क्वालिटी क्या क्या है? आपको क्लास और क्वेश्चन पीडीएफ अलग से मिलेगी, यानी जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ भी मिलेगी और अलग से असाइनमेंट भी मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। लगभग जो क्वेश्चन मेरे पास रहेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, पूरे के पूरे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में 8000 प्लस मिलेंगे। बाइलैंग्वल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, डिटेल कंटेंट होगा। आपने देखा मैंने अभी वो पहला चैप्टर खत्म किया है लीवर एंड मशीन, उसमें भी मैंने 4 चैप्टर बनाए ताकि एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपका छूट जाए। और उसके साथ साथ आपको बेस्ट न्यूमेरिकल अप्रोच भी मिलेगी, क्योंकि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में कम से कम हर सेट में मैं देख रहा हूं 10 से 12 न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो 40 में से अगर 10-12 न्यूमेरिकल आ रहा है तो न्यूमेरिकल अप्रोच भी अपन को बढ़िया करनी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा कंटेंट वैसे है तो 599 में, लेकिन अभी ऑफर में चल रहा है, ये आपको मिल जाएगा जाके 399 में। करना क्या है? माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, माई पाठशाला का एप्लीकेशन, और वहां पर आपको ये कह सकते हो कंटेंट, यानी ये कोर्स मिल जाएगा देखने को। और इस कोर्स में जाने के बाद आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा, और वो कूपन कोड है UD10। सब कुछ कैपिटल में है, YOGI 10, ये सब कुछ कैपिटल में है, लगाइएगा। तो इससे क्या होगा कि ये प्राइस आपका 399 हो जाएगा, ठीक है। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट आता है तो मैं एक दो नंबर लिख देता हूं, 9696102411। एक नंबर और लिख देता हूं, 6393125760। आप इसको थोड़ा जल्दी ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही इसमें एक दो चैप्टर और ऐड होंगे तो ये मैं ऑफर हटा लूंगा, क्योंकि अभी ऑफर है टॉप 500 स्टूडेंट के लिए सिर्फ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते, अभी क्लास खत्म नहीं हुई। मैंने कहा हम लोग आज इसको पूरा निपटा देंगे, कल के लिए छोड़ेंगे ही नहीं, देखो क्या है। तो अगली हेडिंग थी सरफेस टेंशन, भैया ये वो हेडिंग है जिसको आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लेना, प्रेस तनाव बोलते हैं इसको। बहुत पूछी जाती है हेडिंग, लेकिन बात को समझना पड़ेगा कि प्रेस तनाव आया कहां से। मैं देखो आप हर चीज समझो, मैं आपको बता दूं आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, प्रेस तनाव फलाना होता है डिटाना होता है, लेकिन एक भी चीज का आपको खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा। बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना प्रेस तनाव के बारे में, सुनो ध्यान से। देखो ये मेरा पहला कंटेनर हो गया, और अगर मैं इस पहले कंटेनर पे पूरी तरीके से एक लिक्विड भर देता हूं, मैं ये लिक्विड का नाम भी बताऊंगा। मान लीजिए इस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड भर दिया और इस लिक्विड का मैंने नाम ले लिया पानी, सर ये लिक्विड पानी है, बताइए। इसके ऊपर मैंने क्या किया? सर इसके ऊपर मैंने एयर लिख लिया, एयर। तो आप मुझे ये बताइए जरा, अगर मैं पानी के ठीक बीचों बीच पानी का एक मॉलिक्यूल ले लूं, पानी के ठीक बीचों बीच मैंने पानी का एक मॉलिक्यूल ले लिया ये बीच में है ना, तो आप मुझे बताइए पानी के इस मॉलिक्यूल में चारों तरफ से पानी फोर्स लगाएगा, अर्थात चारों तरफ से जो फोर्स काम करेगा वो कौन सा फोर्स होगा? सर वो ससंजन बल होगा, कोएसिव फोर्स होगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई? इतनी क्लियर हुई बताओ। और चारों तरफ से बराबर बल लगेगा, ठीक है, चारों तरफ से बराबर। बट अगर मैं पानी का एक पानी का जो एटम है वो मैंने एकदम टॉप पर लिया होता, तो कहते अगर टॉप पर लिया होता तो नीचे से पानी के एटम ही फोर्स लगा रहे होंगे, जिसको आप ससंजन बल कहोगे, दैट मींस कोएसिव फोर्स कहोगे। बट ऊपर से कौन बल लगा रहा होगा? कहना ऊपर से हवा यानी एयर के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे होंगे, जिससे बोला जाएगा असंजन बल एडेसिव फोर्स। अब आप जल्दी से मुझे बताएंगे पानी की डेंसिटी कितनी होती है? कहना पानी डेंसिटी होती है 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। देखो डायरेक्ट डेफिनेशन मैं दे सकता था, लेकिन मैं आपको बेसिक चीजें पहले बताना चाहता हूं ताकि आपका कभी जीवन में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। हवा की डेंसिटी 1.22। और मैं फिर कह रहा हूं आप बेसिक साइंस चीजें मेरे से पढ़िए, आसपास जितनी ऑफलाइन कोचिंग है पढ़ाना शुरू कर दीजिए, पढ़ाने लगोगे देख लीजिए ना। चाहे अब देखो आगे, तो मैंने कहा कि जब मॉलिक्यूल ठीक बीचों बीच था, चारों तरफ से ससंजन बल,
बराबर कैंसिल। लेकिन एक बात बताइए, ऊपर वाला कंडीशन जब मैंने देखी तो ये वाली कंडीशन में क्या हुआ, नीचे की ओर ससंजन बल, ऊपर की ओर आसंजन बल। पानी की डेंसिटी 1000, हवा की डेंसिटी 1.22। मैंने आपको कहा था जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका आकर्षण ज्यादा। अगर डेंसिटी पानी की ज्यादा है तो इसका मतलब पानी का आकर्षण, दैट मींस कोएसिव फोर्स ज्यादा होगा, पानी का आकर्षण ज्यादा होगा, एडहेसिव फोर्स कम होगा। बताइए इतनी बात सबको क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई, बताओ पानी का आकर्षण क्या होगा, ज्यादा। तो मेरे भाई अगर पानी का आकर्षण ज्यादा होगा तो पता है क्या होगा, ये पॉइंट केवल यहां थोड़ी ना, ये पॉइंट यहां पर भी होगा, ये पॉइंट यहां पर भी होगा, ये पॉइंट यहां पर भी होगा, और हर पॉइंट में नीचे वाला फोर्स यानी ससंजन बल ज्यादा होगा। ससंजन बल ज्यादा होने से द्रव की जो फ्री सरफेस थी वो इस तरह से खींचने लगेगी, द्रव की जो फ्री सरफेस है वो इस तरीके से खींचने लगेगी। इसको क्या बोलते हैं, इस सतह को बोला जाता है फ्री सरफेस, मुक्त सतह जिसको बोलते हैं, है ना। तो बताइए द्रव की सतह कैसी होगी, खींचने लगेगी। जब द्रव की सतह खींचने लगती है तो बच्चा हम लोग कहते हैं कि बस द्रव की सतह में पृष्ठ तनाव आ गया, तनाव आ गया, खींचने लगी, टेंशन आ गया, द्रव की सतह में क्या आ गया, टेंशन। बताओ इतनी बात सबको क्लियर है, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी करेंगे भाई, जोश जरूर दिखाएंगे, बिना देखो जोश से काम नहीं चलेगा। अगर मैं भी जो है आपको ऐसी मरल मरल पढ़ाने लगू, अरे यार सर में टेंशन है, बताओ तुम्हें मजा आएगा, ईमानदारी के साथ बताओ नहीं आएगा ना मजा, है ना। तो वही चीज है ना, एनर्जी दिखानी पड़ती है। हाँ, मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग मसाला खा के पढ़ाते रहते हो, और बताओ ता हटता रहे नहीं आएगा समझ में, इसलिए एनर्जी आपकी तरफ से भी होनी चाहिए, मेरी तरफ से भी होनी चाहिए, है कि नहीं। अब देखो सर, द्रव की सरफेस ऐसे खींच जाएगी, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कहां पर पाया जाता है, कहना सरफेस टेंशन हमेशा हमेशा फ्री सरफेस में पाया जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फ्री सरफेस में हमेशा सरफेस टेंशन पाया जाता है, द्रव के अंदर, द्रव के अंदर हमेशा सरफेस टेंशन नहीं पाया जाता, इस बात को समझ लेना। द्रव के अंदर सरफेस टेंशन का मान हमेशा जीरो होता है और फ्री सरफेस में सरफेस टेंशन होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सर एक बात बताओ, सर सरफेस टेंशन फ्री सरफेस में होता है, परिभाषा क्या है? तो बच्चा इसकी परिभाषा होती है कि ये जो द्रव की फ्री सरफेस बने ना, फ्री सरफेस, इस फ्री सरफेस की इकाई लंबाई पर लगने वाला बल, इकाई लंबाई पे लगने वाला तनाव बल, इकाई लंबाई पे तनाव बल जो काम करता है सर, इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव की फ्री सरफेस में इकाई लंबाई की काल्पनिक रेखा पर लगने वाला तनाव बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, पृष्ठ तनाव कहलाता है, है ना। सर मात्रक क्या है? अच्छा पृष्ठ तनाव को या तो टी से शो करते हैं या तो सिग्मा से, दोनों में से किसी एक से शो करते हैं। लेकिन पृष्ठ तनाव का कोई मात्रक पूछे तो कहना ऊपर सर फोर्स है इसलिए न्यूटन, नीचे लंबाई है इसलिए मीटर, न्यूटन पर मीटर होता है। लेकिन इसका एक और मात्रक भी बनता है बच्चा, और वो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर को हम लोग जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा आप बता सकते हो जूल प्रति मीटर स्क्वायर कैसे आया? अरे ऊपर नीचे मीटर, मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ न्यूटन मीटर जूल बन जाएगा, मीटर 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 स्क्वायर बन जाएगा, है? तो पहला फॉर्मूला सरफेस टेंशन का होता है F by L, ठीक है? और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? दूसरे फॉर्मूले में जूल मतलब एनर्जी और एनर्जी का मतलब ऊर्जा, और कई बार हम लोग इसको ऊर्जा ना लेके एकदम सही चीज लिखेंगे जिसको बोला जाता है पृष्ठ ऊर्जा, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा क्षेत्रफल। तो पृष्ठ ऊर्जा यानी ऊर्जा और डिवाइड बाई क्षेत्रफल, ये भी एक सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है। ऊर्जा डिवाइड बाई क्षेत्रफल सर, ये भी एक सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, इसे आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। बताइए दोनों फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक छोटी सी नन्ही सी बात बता दूं, है आगे है वो बात, चलो आगे भी है लेकिन मैं फिर भी बता दूं, ध्यान से सुनना एकदम कैद सर धुआंधार तरीके वाला कॉन्सेप्ट। देखो देखो होता क्या है कि जब भी कभी किसी द्रव में पृष्ठ तनाव आता है, अच्छा पृष्ठ तनाव आने का कारण, पृष्ठ तनाव को आप कैसे समझ सकते हैं मैं वो भी बता दूं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में मम्मी रस्सी में कपड़े फैलाती है,
तो जब रस्सी एकदम सीधी होती है अर्थात जिसमें कपड़े नहीं फैले होते हैं तब रस्सी एकदम सीधी होती है, लेकिन जैसे उसमें कपड़े फैला देते हो तो रस्सी ऐसे तनाव में आ जाती है ना, तनाव में आ जाती है। बताइए ऐसे कैसे आ जाती है तनाव में? बस वहीं से घटना डेवलप हो जाती है प्रस्तनाव। प्रस्तनाव हमेशा दो लिक्विड की या दो फ्लूड की इंटरफेस पे होता है। मैं फिर से बता दूं प्रस्तनाव कहां पर पैदा होता है, तो कह देना प्रस्तनाव पैदा होता है दो फ्लूड की या दो द्रवों की इंटरफेस पर, इंटरफेस पे। कहां पर? इंटरफेस पे। यदि जहां पर दो पदार्थ आपस में मिल रहे हो वहीं प्रस्तनाव आएगा, इस बात को पहले समझ लो। बताइए अगर मैं आपसे कह दूं ए पॉइंट है ये, मैंने कहा दूसरा पॉइंट ये बी है, मैंने कहा तीसरा पॉइंट ये सी है, मैंने कहा चौथा पॉइंट ये डी है, आप जल्दी से बताइए कहां कहां प्रस्तनाव आएगा। बताइए मैंने ए बी सी डी आपको कुछ पॉइंट दिए, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि कहां कहां प्रस्तनाव आएगा, कहां कहां नहीं आएगा, बताइए। तो कहना सर आपने अभी अभी कहा सरफेस टेंशन, हां सरफेस टेंशन केवल वहीं आता है जहां दो द्रव या दो फ्लूड या दो ठोस पदार्थ कैसे भी इंटरफेस होते। तो बी में देखो हवा भी है और पानी भी है तो प्रस्तनाव आएगा, सी में देखो कांच और पानी है प्रस्तनाव आएगा, डी पर देखो कांच और पानी है आएगा, लेकिन ए पर प्रस्तनाव नहीं आएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। देखो गलती कर दी सुमित गुप्ता, आपने गलती कर दी ना, ठीक है। तो याद रखना प्रस्तनाव हमेशा जो है दो द्रवों की इंटरफेस पे आता है, जैसे कि सी पर आएगा क्योंकि कांच भी है और पानी भी है, समझे ना। अच्छा दूसरी चीज सुनिए सर, जो प्रस्तनाव होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होता है, तो कहना प्रस्तनाव सिर्फ और सिर्फ जो है लिक्विड की प्रॉपर्टी होता है, गैस की प्रॉपर्टी नहीं होता। मैं पहले बता दूं प्रस्तनाव कभी भी गैसों में नहीं पाया जाता, प्रस्तनाव कभी भी गैसों में नहीं पाया जाता, ठीक है। सर गैसों में क्यों नहीं पाया जाता आप मुझे बताओ, गैस अगर यहां भर दो हीलियम गैस भर दो और हीलियम गैस से कह देना खबरदार जो यहां से उड़ जाना, तो क्या ये गैस यहीं पे बनी रहेगी, उड़ेगी नहीं क्या? अरे गैस कभी फ्री सरफेस नहीं बनाती, क्या गैस अभी कभी ऐसी फ्री सरफेस बना सकती है? और गैसों पर तो तुम कह दो उड़ना नहीं, नहीं उड़ेगा, अरे उड़ जाएगा मतलब। तो गैसों में कभी प्रस्तनाव नहीं होता, ओके इस बात को समझे रहिएगा। पर फिर से समझा दीजिए गुरु जी, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं समझा देता हूं, है दोबारा से देखो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, बच्चों को नहीं समझ में आया मैं समझा देता हूं प्रस्तनाव कहां कहां आएगा। देखो जैसे कि मैंने फिर से एक कांच का बर्तन लिया, ये मैंने किसका बर्तन लिया कांच का, ध्यान से सुनना, और ऊपर मैंने एक लिक्विड भर दिया और नीचे भी मैंने एक लिक्विड भर दिया, ध्यान से सुनना कैदे के साथ, दो अलग अलग लिक्विड है, ऊपर वाले को मैंने तेल कह दिया नीचे वाले को पानी कह दिया, और ये किसका बर्तन है सर, ये बर्तन है कांच का। तो मैंने ये कहा कि प्रस्तनाव कहां कहां आता है, कहना प्रस्तनाव वहां वहां आएगा जहां पर दो चीजें आपस में मिलेंगी, हां चाहे वो एक ठोस हो दूसरा लिक्विड हो या दोनों ठोस हो या फिर हो सकता है कि एक ठोस एक गैस हो, वहां प्रस्तनाव आएगा, है ना। तो मेरे भाई एक हां लेकिन लिक्विड कॉमन होना चाहिए, लिक्विड और ठोस हो या लिक्विड और गैस हो या लिक्विड लिक्विड हो, लिक्विड एक लिक्विड होना जरूरी है। अब ये बताओ ऊपर हवा भी है, तो आप मुझे बताइए ये जो पॉइंट है जिसको मैंने ए कह दिया, जिसको क्या कह दिया ए, सर इस ए पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर ऊपर हवा है नीचे तेल है, दो चीजें हो रही ना सर, आएगा प्रस्तनाव आएगा। फिर अगर मैंने आपसे कहा सर एक पॉइंट यहां पर ले लीजिए बी, बी तो कहना ऊपर तेल है नीचे पानी है, क्योंकि बी पॉइंट आपने कहां माना है सरफेस पे माना तेल पानी, प्रस्तनाव आएगा, अब द्रव के अंदर भी आएगा प्रस्तनाव आएगा क्योंकि दो लिक्विड की इंटरफेस आ रही। सर एक पॉइंट यहां पर सी ले लीजिए, सर पानी है कांच है प्रस्तनाव आएगा, डी पॉइंट ले लीजिए सर तेल है और कांच है तेल कांच प्रस्तनाव आएगा, बट अगर कोई पॉइंट एकदम अंदर हो ई, ई सर यहां पर प्रस्तनाव नहीं आएगा क्योंकि चारों तरफ से सिर्फ कोशी कोशी फोर्स लगाएंगे। देखो प्रस्तनाव हमेशा वहां आता है जहां ससंजन बल के साथ साथ आसंजन बल भी लगे,
जैसे कि बी पॉइंट पे ऊपर तेल नीचे पानी, दोनों अपना अपना खींचेंगे। सी पॉइंट पे पानी और कांच दोनों अपना अपना खींचेंगे। डी पॉइंट पे तेल और कांच दोनों अपना अपना खींचेंगे। बताइए रॉयल फ्रेश तुम्हें समझ में आया? बताओ जल्दी से। हाँ, तो मैं इसके बात के अलावा भी एक छोटी सी बात समझा रहा था। देखो मैं आपको बता दूं, प्रेस तनाव की वजह से द्रव की फ्री सरफेस ऐसी हो जाती है, ऐसी है ना। तो मेरे भाई होता क्या है, इस बात को पहले समझो। जितनी भी हल्की चीजें होती हैं, जितनी भी हल्की चीजें, जैसे कि कई बार एक क्वेश्चन आता है, कि भाई साहब लोहा पानी में डूब जाता है लेकिन लोहे की बनी हुई सुई पानी में तैरती है, क्यों? तो कहना लोहे की बनी हुई सुई एकदम हल्की होती है और ये जो द्रव की सरफेस है, इस सरफेस की वजह से ऊपर की ओर एक फोर्स भी काम करता है। हालांकि ये फोर्स हम लोग निकाल भी सकते हैं एफ बराबर टी इंटू एल से। तो ये फोर्स काम करता है जो कि इस लोहे की सुई के भार को बैलेंस कर लेता है। तो याद रखना सब लोग आज के बाद, जितनी भी हल्की वस्तु तैरती है, जितनी भी हल्की वस्तु तैरती है या डूबती नहीं है, वो सब एक ही वजह से तैरती है। उस वजह का नाम क्या है? प्रेस्ट तनाव है। जैसे कि कई बार क्वेश्चन आता है कि मच्छर पानी में तैरते हैं, हालांकि तैरते नहीं है, वो खड़े हो जाते हैं लेकिन डूबते नहीं है। किस वजह से? प्रेस्ट तनाव की वजह से। लोहे की सुई तैरती है, किस वजह से? प्रेस्ट तनाव की वजह से। तो जितनी भी हल्की चीजें होती है जो एक्चुअली में डूब जाना चाहिए था, सर वो नहीं डूबती। किस वजह से नहीं डूबती? प्रेस्ट तनाव की वजह से नहीं डूबती। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए बच्चा, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो मैं यहां पर परिभाषा भी लेते आऊं ताकि आपको जरा सी भी दिक्कत ना पड़े। परिभाषा लिखी हुई है कि द्रव की मुक्त सतह पर इकाई लंबाई पर लगने वाला काल्पनिक बल प्रेस्ट तनाव कहलाता है, यानी टी बराबर एफ बटे एल हो जाएगा। मात्रक मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया। इकाई क्षेत्रफल की पृष्ठ ऊर्जा, सर इकाई क्षेत्रफल की पृष्ठ ऊर्जा, सर यह भी प्रेस्ट तनाव होती है, यह भी प्रेस्ट तनाव होती है, यह भी मैंने अभी अभी आपको बताया। इसमें कोई डाउट नहीं है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आगे देखिए, सर यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेस्ट तनाव के एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम्पल अभी भी कोई भी बच्चा नहीं देखेगा, एग्जाम्पल अभी कोई भी बच्चा नहीं देखेगा। मैं आपको पहले बता दूं, एग्जाम्पल कोई भी बच्चा अभी नहीं देखेगा। मैं इसको हटा ही देता हूं, मैं इस एग्जाम्पल को अभी हटा देता हूं, कोई भी बच्चा एग्जाम्पल नहीं देखेगा। ठीक है, अब मैं जो बात आपको समझाने चाहता हूं बस आप उसको देखेंगे। चलो सुनो, एग्जाम्पल कोई नहीं अभी देखे ना नहीं, हाँ देखो सुनो, मैं कुछ स्पेशल पॉइंट यहां पर डिस्कस करता हूं आपके साथ, आप उसको देखिए कि स्पेशल पॉइंट हमारे क्या है। ध्यान से सुनिए, रटाए के साथ, ये पॉइंट बड़े स्पेशल है। स्पेशल पॉइंट सुनो बड़े ध्यान से, क्या होते हैं स्पेशल पॉइंट? स्पेशल पॉइंट में सबसे पहला स्पेशल पॉइंट ये होता है कि आप सबसे पहले सर ये बताओ कि ये बार बार सरफेस टेंशन बता रहे हो, प्रेस तनाव बता रहे हो, सर प्रेस तनाव का कारण क्या होता है? मतलब इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? तो कहना जब भी कभी प्रेस तनाव आता है तो वो एक्चुअली में आया है ससंजन बल की वजह से, नीचे का कोएसिव फोर्स ज्यादा था इसलिए प्रेस तनाव आया। तो जब भी कभी प्रेस तनाव का तुमसे कारण पूछे ना, तो सीधा सीधा बताइए ससंजन बल होगा भैया कारण। हाँ, ससंजन बल, कोएसिव फोर्स। अच्छा सर, विस्कोसिटी का कारण भी ससंजन बल था? मैंने कहा यस। अब प्रेस्ट तनाव का भी दूसरा पॉइंट सुनिए, दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बताइए प्रेस्ट तनाव पे क्या फर्क पड़ता है? तो कहना अगर प्रेस्ट तनाव पर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससंजन बल कम हो जाता है, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। तो अगर आपके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, ससंजन बल कम हो गया, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रेस्ट तनाव भी कम हो जाता है। टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रेस्ट तनाव कम हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट सुनिए, तीसरा पॉइंट यह होता है कि अशुद्धि मिलाने से, बताइए प्रेस्ट तनाव क्या होता है? अशुद्धि मिलाने से प्रेस्ट तनाव क्या होता है? अशुद्धि है ना। तो मेरे भाई अशुद्धि मिलाने से प्रेस्ट तनाव क्या होता है? अगर ये पूछा जाए तो दो तरह की अशुद्धियां होती हैं, उनमें से एक होती है अघुलनशील अशुद्धि। दोनों का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, अघुलनशील, अघुलनशील अगर तुमने अशुद्धि मिलाई है तो बताइए प्रेस्ट तनाव क्या होगा। और अगला क्वेश्चन आता है कि यदि घुलनशील अशुद्धि मिलाई है तो क्या होगा, है ना। तो घुलनशील और अघुलनशील अशुद्धि मिलाने से प्रेस्ट तनाव क्या होता है? तो बच्चे जब भी कभी हम लोग अघुलनशील अशुद्धि मिलाते, अघुलनशील, तो ध्यान रखना उसका जो प्रेस्ट तनाव है, सर प्रेस्ट तनाव क्या होता है? सर प्रेस्ट तनाव कम हो जाता है। अघुलनशील अशुद्धि मिलाने से प्रेस्ट तनाव कम होता है। घुलनशील अशुद्धि, सर घुलनशील अशुद्धि क्या होती है? जैसे कि NaCl, जितने की आयनिक कंपाउंड होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड हो गया है,
KCl हो गया, ये जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं। तो ध्यान रखना घुलनशील अशुद्धि मिलाने से पृष्ठ तनाव क्या होता है सर, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। और अघुलनशील अशुद्धि मिलाने से पृष्ठ तनाव घटता है। अघुलनशील अशुद्धि जैसे कि तुम्हारा डिटर्जेंट हो गया, जैसे कि तुम्हारा डिटर्जेंट हो गया, या किसी भी दवाई का भी छिड़काव करते हो ना, दवाई का भी छिड़काव करते हो, तो वो भी हमारी अघुलनशील अशुद्धि में काउंट होती है सर, पृष्ठ तनाव घटाएगा। बताइए इतनी बात सबको क्लियर है? बताइए फटाफट जल्दी से बताइए, यहां तक बातें सबको क्लियर हो गई? किसी तरह का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए पहले, तो फिर मैं आगे बताऊं। थोड़ा एक बार सेशन को लाइक कर देना भाई, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग सेशन को शेयर जरूर करेंगे। साथ 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 आपको करना क्या है कि वीडियो खत्म हो जाने के बाद कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, है ना, ये समझ में आ गया। अब इसी के आधार पर आपके सामने ये रहे एग्जाम्पल। चलो देखो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो पृष्ठ तनाव पे काम करते हैं, जैसे कि पृष्ठ तनाव पे सबसे पहला काम करता है हमारा बालों का चिपटना। देखो जब भी कभी देखो बाल गीले होते हैं, आपके बाल हो, खपड़ी के बाल हो, या फिर कह सकते हो टूथपेस्ट के बाल हो, कैसे भी बाल हो, गीले होने पर क्या होता है वो ससंजन बल की वजह से चिपट जाते हैं। लेकिन हम लोग ससंजन बल नहीं कहते, उन्हें बोलते हैं पृष्ठ तनाव। रीजन क्या है कि उनके बीच में आकर्षण बल काम करता है ना, तो बालों का चिपटना सरफेस टेंशन की वजह से होता है। बूंद का गोल होना, बूंद, मैं बूंद के बारे में बता दूं, जैसे कि बूंद है, ये पानी की बूंद है, ध्यान से सुनना कह देते साथ ही, पानी बूंद, तो हर जगह पानी होगा, तो अंदर इस तरीके से सरफेस टेंशन काम करता है, सरफेस में काम करता है पृष्ठ तनाव, अंदर इस तरह से सरफेस टेंशन काम करता है कि आप कह सकते हो कि बूंद पूरी तरह से गोल हो जाती है, बूंद का गोल होना, है ना। उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है, लोहे की सुई का पानी में तैरना। मैंने कहा हल्की चीजें हमेशा पृष्ठ तनाव की वजह से तैरती हैं। एक क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि लोहे की सुई जब पानी में तैरती है, मतलब लोहे की सुई पानी में तैर रही है, लेकिन अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो बताइए लोहे की सुई अभी भी तैरेगी कि डूब जाएगी? आंसर दीजिए जल्दी से। अगर लोहे की सुई पानी में तैर रही है और मैंने उस पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बताइए लोहे की सुई अभी भी तैरेगी कि डूबेगी? फटाफट बताइए। यह आपने कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि लोहे की सुई पानी में तैर रही है, हैं, उसमें तुमने डिटर्जेंट मिला दिया तो बताइए आपकी लोहे की सुई पानी में तैरेगी कि डूब जाएगी? तो याद रखना जब हम लोग लोहे की सुई जब पानी में तैरती है और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो सुई डूब जाती है। क्यों? क्योंकि सुई का डूबना तो पृष्ठ तनाव पर आधारित है, समझे ना? बताओ बताइए, क्लियर है सर? कपूर का पानी में नाचना, देखो जहां पर हम लोग कपूर को छोड़ते हैं बच्चा वहां अशुद्धि मिल जाती है, अशुद्धि मिल जाने से अघुलनशील अशुद्धि मिल जाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है टी बराबर एफ बटे एल से, जिसकी वजह से कपूर में मोशन आ जाता है, कपूर नाचने लगता है। मच्छर का पानी की सतह पर चलना, देखो होते क्या है जो भी मच्छर होते हैं ना वो हल्के होने की वजह से पानी की सतह पर चलते हैं, डूबते नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें अशुद्धि मिला देते हैं, अशुद्धि अघुलनशील, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो मच्छर तैर नहीं सकते अर्थात डूब भी सकते हैं या उड़ सकते हैं। डिटर्जेंट मिलाने से कपड़े का साफ होना, बच्चा हम लोग देखिए, अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं कि कपड़े का साफ होना किस पर आधारित होता है? या यूं कहिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कपड़े में मैल लगा तो कपड़े में जो मैल लगता है वो अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल की वजह से लगता है, यानी ससंजन बल की वजह से लगता है, लेकिन जैसे ही हम लोग पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ससंजन बल कम हो जाता है, जिसकी वजह से मैल कपड़े को छोड़ देती है। तो मैल जब कपड़े को कब छोड़ते हैं, जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, समझते रहना ध्यान से, ठीक है? तो ये इतने सारे एग्जाम्पल जो है वो पृष्ठ तनाव पे काम करते हैं। बताओ बात सबको क्लियर हो गई? सरफेस टेंशन के बारे में सबको समझ में आ गया? एक पॉइंट छूटा हुआ है उसको भी सुन लीजिए, जो तुम्हारे बॉल पॉइंट पेन होते हैं, बॉल पॉइंट पेन, और एक होता है तुम्हारा फाउंटेन पेन। जल्दी मुझे बताइए आपने दोनों का नाम सुना या नहीं सुना? फटाफट मुझे बताइए, बॉल पॉइंट पेन और फाउंटेन पेन, आपने दोनों का नाम सुना है या फिर नहीं सुना, बताइए। तो कहना बॉल पॉइंट पेन ये भी तुम्हारा सरफेस टेंशन पे काम करते हैं, यानी पृष्ठ तनाव पर काम करते हैं। बट अगर फाउंटेन पेन पूछे, पहले तो आप मुझे बताइए फाउंटेन पेन क्या होते हैं।
तो सबको पता है कि फाउंटेन पेन वो स्याही वाले पेन होते हैं, स्याही वाले नहीं होते। एक्चुअली में जब हमारे ऋषि मुनि पढ़ाई किया करते थे, कुछ लिखना हुआ करता था, तो मोर की पंख को नीटीला बनाते ऐसे डुबोते थे, स्याही ऊपर चढ़ती थी लिखते थे, डुबोते थे स्याही ऊपर चढ़ती थी लिखते थे। फिर पता नहीं कौन बुद्धिमान पुरुष ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने सोचा कि डुबो डुबोते लिखने की क्या जरूरत है, ऊपर एक पाइपलाइन यानी ऊपर एक टंकी बना दी, स्याही भर दी। स्याही भरने वाला फाउंटेन पेन नहीं होता, डुबो डुबो के लिखने वाला फाउंटेन पेन होता है। और फाउंटेन पेन जिस सिद्धांत पे काम करता है उस सिद्धांत का नाम होता है ट्रेसी टाप्त। बताइए। हाँ बिल्कुल रणधीर, तुमने एकदम सही कहा, एकदम सही कहा, मैं रणधीर की बात से एकदम सहमत हूं। बॉल पॉइंट पेन सरफेस टेंशन के साथ भी एक सिद्धांत पे काम करता है, वो सिद्धांत होता है ग्रेविटी। बिल्कुल एकदम सही कहा तुमने, लेकिन यहां हम लोग बात सरफेस टेंशन की कर रहे हैं, इसलिए मैंने वहां सरफेस टेंशन लिख दिया था फिलहाल तो, है ना। रणधीर तुमने एकदम सही कहा, तो ये ऑल ओवर सरफेस टेंशन था, बट अभी भी इसका एक एनालिसिस बड़ा छूटा हुआ है। बिना इस सवाल के हम लोग सरफेस टेंशन को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी सवाल से हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां समझने को मिलेगी, है ना। मेरा मानना ये कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो आज खत्म कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, एक एक चीज लिखते जाइए बस। हाँ, अब वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। साथ साथ ये डेमो है, इसका पूरा अगर पिक्चर देखते, मतलब ये ट्रेलर है, अगर पूरी पिक्चर देखनी है ना, तो आप लोग एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स ले सकते हो, लिंक आपके सामने है, है ना। कॉल कर ले सकते हैं या फिर 9696102411 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा है कि पानी की एक बड़ी बूंद 1000 छोटी बूंदों में टूट जाती है, टूटने वाला सवाल है। मान लीजिए पानी की एक बहुत बड़ी बूंद है और ये बड़ी बूंद कितनी बूंदों में टूट जाती है, सर ये 1000 छोटी बूंदों में टूट जाती है, 1000 छोटी बूंदों में, 1000 छोटी बूंद। तो बोला जा रहा है कि बताइए तो बूंद की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, यानी ये जो छोटी बूंद है सर इसकी त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब एक बड़ी बूंद कई सारी छोटी बूंद में टूटती है तो बड़ी बूंद की त्रिज्या को मैंने r मान लिया और छोटी बूंद की त्रिज्या को स्मॉल r मान लिया। तो जब भी कभी बूंद टूटती है, बड़ी बूंद छोटी में या छोटी बूंद जुड़ के बड़ी बूंद बनती है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें हमें आयतन को बराबर करना होता है, वैल्यूम इक्वल करना होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है बच्चा, वैल्यूम इक्वल करना हो रहा। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर मैं वैल्यूम इक्वल करूं तो बूंद का वैल्यूम यानी गोले का वैल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, बड़ी बूंद सिर्फ एक थी, बड़ी बूंद सिर्फ एक थी इसलिए कह सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू है। छोटी बूंद तो 8000 है, हम 8000 की नहीं स्मॉल एन यानी संख्या मैंने स्मॉल एन मान ली, 8000 की कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। छोटी बूंद की संख्या एन है इसलिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। अब जल्दी से मुझे बताएंगे सब लोग, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, डायरेक्ट याद करेंगे कि ऐसे सवालों में कैपिटल आर बराबर स्मॉल एन की पावर 1/3 इंटू कह सकते हो आर होता है। ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में सबके सब लोग इसको नोट डाउन करेंगे, बताइए ओके। तो ये कैपिटल आर बराबर स्मॉल एन की पावर 1/3 स्मॉल आर है, ठीक है। चलिए कैपिटल आर तो चलो ठीक है, बूंदों की संख्या 8000 थी, 8000 का वर्ग घनमूल 10 हो जाएगा, तो आर बराबर 10 आर हो गया। अब आर बराबर 10 आर हो गया तो आप कुछ भी निकालते रहिए, आपकी मर्जी, बताइए। इतनी बात सबको क्लियर है, चलो। बट सर इसमें जादू क्या होने वाला है, कई बार क्या होता है कि जब बूंद टूटकर छोटी बूंद बनती है, ये छोटी बूंद टूटकर बड़ी बूंद बनती है, तो मेरे भाई कुछ बातें आपसे पूछी जाती है और कई बार वो बातें आपको बड़ा कंफ्यूज करती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस कराने जा रहा हूं और ये एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हर पॉइंट में क्वेश्चन आता है और ये एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। और जब भी कभी क्वेश्चन आता है हमेशा कंफ्यूजन करता है, चाहे आप सर्च कर लीजिएगा कहीं भी। सवाल देखिए क्या, मान लीजिए मैंने एक बड़ी बूंद को तोड़कर कई सारी छोटी बूंदें बनाई, मान लीजिए मैंने एक बड़ी बूंद को तोड़कर कई सारी छोटी बूंदें बनाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इसके टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी तापमान पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इसके एरिया पर यानी क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इसकी ऊर्जा यानी एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आएगा कि बताइए ऊर्जा अवशोषित होती है कि उत्पन्न होती है। फिर क्वेश्चन आएगा कि बताइए कार्य करना पड़ेगा कि कार्य प्राप्त होगा।
ये जो पांच मैंने पॉइंट बताया ना, इन पांच में से कुछ भी पूछा जा सकता है। बताओ बात सबको क्लियर है, स्टार्ट किया जाए समझाना इसको है, बताइए समझाना शुरू किया जाए। थोड़ा एक बार सेशन को शेयर करते रहेंगे, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक ठोक दो। बताओ तो सुनना बड़े ध्यान से, जब हम लोग एक बड़ी बूंद को कई सारी छोटी छोटी बूंदे बना लेते हैं तो पता है क्या होता है मेरे भाई, होता है कुछ नहीं है कि आपने बूंद को फैला लिया। और याद करो अपना वो बचपन, जब तुम्हें भूख लगी थी और मम्मी कहती है कि बेटा चावल है, कुकर से गरम गरम चावल निकल के आए, गर्मी का दिन ऊपर से इतनी गर्मी और तुमने चावल खाया मुंह जल लिया, तो मम्मी क्या करती है उस चावल को फैला देती है। फैला देने के बाद चावल ठंडा हो जाता है। तो जब भी कभी बूंद को हम तोड़ते हैं, कई सारी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं, तो याद रखना कई सारी छोटी बूंदों में तोड़ने पर टेम्परेचर कम होता है। कई सारी छोटी बूंदों में तोड़ने पर टेम्परेचर मेरे भाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस बात को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया, प्लस सरफेस एरिया। तो जब एक बड़ी बूंद कई सारी छोटी छोटी बूंदें बनेगी ना, तो अंदर की जितनी भी बूंदों का एरिया था वो भी बाहर आ गया, वो भी बाहर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला यह याद होना चाहिए कि जो भी हमारा अभी प्रश्न तनाव आपने सर देखा था वो एनर्जी बटे एरिया होता है, एनर्जी बटे एरिया होता है ना। तो मेरे भाई अगर मैं पूछूं एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रश्न तनाव इंटू एरिया। बताओ ऊर्जा बराबर प्रश्न तनाव इंटू एरिया। तो अगर मैंने एरिया को बढ़ गया मेरे भाई, जब बड़ी बूंद को छोटी बूंद बनाया, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी सर, एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ऊर्जा भी बढ़ गई। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूं आपको कैसे याद करना, ये सब रटना नहीं है, आपको समझना है, नहीं मैं जवाब कैसे दे रहा हूं आपको, ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। चलो सर, बड़ी बूंद की अगर मैं ऊर्जा 80 किलो जूल मान लूं, बड़ी बूंद की जो ऊर्जा है अगर मैं इसको 80 किलो जूल मान लेता हूं, तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहां की जो ऊर्जा होगी वो 100 किलो जूल होगी। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर ऊर्जा बढ़ गई तो 80 किलो जूल की ऊर्जा 100 किलो जूल होगी। मैंने कहा बिल्कुल। तो बताइए बाकी बचा 20 किलो जूल कहां से, एक एग्जांपल के तौर पे माना है, हम ये नहीं लेना 80 100 का, अरे मैं कहूं 80 और 90 मान लो, 80 और 85 मान लो। तो बाकी बचा 20 किलो जूल कहां से आया, तो सर 20 किलो जूल बाहर से अंदर आया होगा। बताइए इस क्रिया में बाकी बचा 20 किलो जूल बाहर से अंदर आया होगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, बाहर से अंदर आया होगा तो क्या बोलोगे इसको, ऊर्जा अवशोषित होगी कि उत्पन्न होगी। तो कहना अगर बाहर से अंदर आया है तो आप कहना कि ऊर्जा अवशोषित होगी। अवशोषित का मतलब है एब्जॉर्ब होगी। ऊर्जा कैसी होगी सर, अवशोषित होगी। हाँ, तो जब भी कभी ऊर्जा अवशोषित होती है, इसका मतलब आपने बाहर से अंदर ऊर्जा भेजी। सर आपने बाहर से ऊर्जा भेजी, तो इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि आपने उस पर कार्य किया। एक होता वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक होता वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो कार्य बोला जाएगा, तो कार्य करना पड़ा। तो आप कार्य के बारे में बोला जाएगा, तो कार्य करना पड़ा, क्या बोला जाएगा, कार्य करना पड़ा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बताइए इतनी बात सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बताइए जल्दी से। अच्छा, अगर ऐसा कुछ होता कि बहुत सारी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही होती, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, मान लो उल्टा पूछ लिया जाए तब क्या करोगे, है। तो मेरे भाई जब आप उल्टा करोगे, यानी बड़ी छोटी बूंद को बड़ी बूंद बनाओगे, तो टेम्परेचर क्या होगा, कहना टेम्परेचर तो सर बढ़ जाएगा। एरिया क्या होगा, कहना एरिया सर घट जाएगा। हाँ देखो, तो एनर्जी क्या होगी सर, एनर्जी सर घट जाएगी, एनर्जी घट जाएगी। एनर्जी घट जाने का क्या मतलब है, 100 किलो जूल की ऊर्जा घटकर 80 किलो जूल हो रही, घट रही। तो बाकी बचा 20 किलो जूल कहां निकलेगा सर, 20 किलो जूल तो बाहर चला जाएगा सर, 20 किलो जूल तो बाहर चला जाएगा। तो क्या बोलोगे बाहर चले जाने को, सर ऊर्जा जो है, ऊर्जा जो है सर उत्पन्न हुई है। ऊर्जा क्या हुई है, उत्पन्न हुई है सर, ऊर्जा बाहर आई। इसका मतलब हमें कार्य करना नहीं, या कार्य करना पड़ा था, यहां कार्य प्राप्त होगा। इस कंडीशन में आपको बताना है कार्य क्या होगा, प्राप्त होगा। तो बच्चा इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जाए, आप डाउट मत रखिएगा, आप आराम से बताइएगा, किसी तरह का कोई हेडेक नहीं है ना। एक और हेडिंग आती है सरफेस टेंशन में, बिना इसके तो हम लोग काम नहीं चला सकते। वैसे हेडिंग तो और भी मेरे पास थी,
लेकिन कोई बात नहीं, हमारी ये लास्ट हेडिंग होगी, इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक दाब। सर जी ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी में क्या डिफरेंट है? बच्चा ये परिभाषा हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? चलो तो मुझे भाई, अगर मैं एक्सेस प्रेशर की बात करता हूं, मतलब मैं अधिक दाब की बात करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिक दाब बोलते हैं। चलो अब ध्यान से सुनना, ये अधिक दाब क्या होता है। तो बच्चा अधिक दाब को समझने के लिए मैंने अपनी तरफ से यहां पर एक बूंद बना ली, मान लीजिए ये बूंद है, मान लीजिए क्या है, बूंद है ना। तो मेरे भाई अगर ये बूंद है तो हर जगह अंदर कोई ना कोई लिक्विड जरूर होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा, बूंद है क्योंकि है। बाहर क्या है सर? बाहर एयर है, बाहर क्या एयर, तो अंदर जो भी लिक्विड होगा वो इसकी सतह पर कुछ ना कुछ प्रेशर डाल रहा होगा, मैंने कहा बिल्कुल डाल रहा होगा। तो अंदर जो लिक्विड है वो सतह पर जो प्रेशर डाल रहा है उस प्रेशर को मैंने अपनी तरफ से कह दिया पी, क्या कह दिया पी, केवल पी। और बाहर जो प्रेशर पड़ रहा होगा सर, बाहर जो प्रेशर पड़ रहा होगा वो वायुमंडल डाल रहा होगा, वायुमंडल द्वारा डाले गए प्रेशर को मैंने कह दिया पीए, क्या कह दिया पीए। तो बाहर से डालने वाला प्रेशर वायु द्वारा डाला गया प्रेशर पीए, अंदर द्वारा डाला गया प्रेशर पी। आप पहले मुझे सब लोग ये बताओगे कि पी और पीए में से कौन ज्यादा होगा। कई बार ये क्वेश्चन आता है, इतना ही पूछ लेता है कि बूंद के अंदर का प्रेशर और बूंद के बाहर के प्रेशर में से कौन ज्यादा होगा, बताइए। बूंद के अंदर का प्रेशर और बूंद के बाहर के प्रेशर में से कौन ज्यादा होगा? बताइए। तो कहना अगर मैं बूंद के अंदर और बूंद के बाहर के प्रेशर की बात करता हूं तो याद रखना बूंद के अंदर का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, बूंद के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। सेम चीज गुब्बारे में भी होती है, जब आप गुब्बारे को हाथ में लेके फुलाते हो तो अंदर हवा इकट्ठा हो जाती है, सर अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, तभी तो गुब्बारे को फोड़ देने पर अंदर की हवा बाहर आती है, समझ पा रहे ना। तो बूंद हो गुब्बारा हो हमेशा उसके अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, पी हमेशा ज्यादा होता है। अच्छा आपने कभी देखा कि जब हम लोग गुब्बारे को फुलाकर, इतना बड़ा फुलाकर ऐसे छोड़ देते हैं, जैसी रात होती है तो गुब्बारा पिचक जाता है। आप मुझे बता सकते हो कि गुब्बारा क्यों पिचकता है रात होते समय? तो कहना जैसी रात होती है तो रात में पता क्या होता है, रात में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। हाँ सर, रात में टेम्परेचर कम होता है तो अंदर का प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से गुब्बारा पिचक जाता है, ठीक है। लेकिन सुबह दोबारा उठने से फूलता नहीं है, उसका रीजन ये है कि भैया फुलाने के लिए उसमें दोबारा हवा भरो, अपने आप कैसे फूल जाएगा यार, ठीक है। तो मैंने कहा कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है बाहर का कम, तो अंदर का प्रेशर जितना ज्यादा होता है यानी पी माइनस पी ए, बस इसी पी माइनस पी को डेल्टा पी कहेंगे और इसी डेल्टा पी का ही नाम होगा मेरे भाई अधिक दाब। अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से जितना ज्यादा होगा सर, उसी ज्यादा वाले प्रेशर को अधिक दाब यानी डेल्टा पी कहेंगे। बताइए समझ में आया? बताओ, ठीक है। तो इसमें आप आपको दो क्वेश्चन याद करने हैं। पहला क्वेश्चन याद करना है बूंद के लिए अधिक दाब का फॉर्मूला क्या है, बूंद के लिए बताइए अधिक दाब का फॉर्मूला क्या है, और फिर बताइए बबल के लिए बताइए अधिक दाब का फॉर्मूला क्या है। बबल, बबल को हिंदी में क्या कहते हैं बता दो, मुझे थोड़ा हिंदी नहीं याद आ रही इसको। बबल गुब्बारा नहीं, फुब्बारा नहीं यार, बबल को क्या कहते हैं हिंदी में? फुब्बारा तो नहीं कहते यार, गुब्बारा कहते हैं, गुब्बारा भी नहीं कहते, बबल। बबल को क्या कहते हैं? अच्छा बबल से याद आया, मैं अभी वो टाइपिंग डाल रहा था अपने मास्टर से, तो बबल लिखनी जगह उसने हिंदी में लिख दिया बुलबुल। अरे भाई बेटा बताओ ऐसा लिखते हो यार, हद है यार, ठीक है। सर ट्रेड कब आएगा? दो चार दिन रुक जाओ बच्चा, ट्रेड की क्लास बस स्टार्ट होने वाली है ना। तो मेरे भाई बूंद के अंदर जो अधिक दाब होता है सर, वो टूटी बटे आर होता है। यहां पर टी तुम्हारा पृष्ठ तनाव है, आर तुम्हारा बूंद की रेडियस है। लेकिन जब भी कभी आ जाए बबल, मेक इट डबल, बबल के लिए डबल कर दो, बबल के लिए डबल कर दो 40/r। तो बबल के अंदर 40/r, बूंद के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है 2t/r, बूंद के अंदर एक्सेस प्रेशर होता है 2t/r और बबल के अंदर 40/r। कॉपी में नोट डाउन करेंगे सब लोग। बच्चा जा रहा है पूरा कोर्स पढ़ाओगे क्या? अभी पठान मूवी आई थी तो पठान मूवी ने ट्रेलर देकर अंदर एडमिशन ले लिए थे ना,
तो सेम तरीका यहां पर भी, मैं एक चैप्टर तो आपको बता दिया, फ्लूड स्टेटस चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद अगर आपको कंप्लीट बैच लेना है तो कंप्लीट बैच लेने के लिए मैं फिर से बता दूं, आप लोग इसमें आइए। आपको कंप्लीट बैच लेना है तो आप बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का कंप्लीट बैच ले सकते हैं, ये रहा है ना। दो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, लेकिन आप खुद भी ले सकते हैं। और खुद भी लेने के लिए आपको क्या करना है, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। वहां पर आपको मेरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बैच दिखाई दे जाएगा। वहां पर कूपन कोड लगाना YOGI10, ये कूपन कोड लगाइए, उसके बाद आपको 599 का बैच 399 में मिल जाएगा। कोई डाउट होता है तो आप इस पे जाइए। वैसे बैच टू जाते देखिए, अभी बहुत कम लोगों तुरंत, मैंने कितने दिन, एक हफ्ता भी नहीं हुए होंगे बैच टू स्टार्ट किए हुए, मतलब मुश्किल से 3-4 दिन। तो 3-4 दिनों में आप जाते देखिए कितने एडमिशन हो रहे हैं, कितनी सारी रेटिंग पड़ी हुई है। अभी भी उसकी रेटिंग जो है ना पूरी की पूरी 5 चल रही है, आप जाते देखिए, है ना। तो बच्चा आपको यहां से मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी है, मैंने एक्सेस प्रेशर तक आपको फिनिश कर दिया, हालांकि हेडिंग अभी मेरे पास बहुत सारी थी, मुझे ये सब भी समझाना था। कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। बट अगर आप कंप्लीट बैच चाहते हो, कंप्लीट बैच का मतलब यह है कि आप पूरा का पूरा CVT 1 और CVT 2 की फाउंडेशन की तरह तैयारी करना चाहते हो, मतलब केवल बेसिक साइंस ही नहीं फाउंडेशन की तरह, वो तो है, बाकी मैथ रीजनिंग GT GS ये सब कुछ फाउंडेशन की तरह चाहते हो, जिसमें आपको बेसिक से थ्योरी पढ़ाई जाए, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन। तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, लेकिन इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है, इसमें डिस्काउंट चल रहा है 2400 का सब्सक्रिप्शन 799, यानी 67% का डिस्काउंट है। इसमें भी आपको क्या करना है, बैच आपको एप्लीकेशन पे दिखाई दे जाएगा, माई पाठशाला के एप्लीकेशन पे, यहां पर भी आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है UD10, जिसके बाद आपको ये 799 पड़ जाएगा। ओके, बाकी सारे बच्चों का सर स्पेशली किसका बैच चल रहा है, देखो बच्चा सारे के सारे बैच चल रहा है, फिजिक्स मतलब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बैच, बायोलॉजी भी है, उसके अलावा कह सकते हो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग भी है, मैथ का कोर्स चल रहा है, उसमें अर्थमेटिक एडवांस चल रही है, तो सारी चीजें चल रही है, आप कुछ भी ले सकते हो। विश्वास मानिए कंटेंट के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, कूड़ा नहीं देते हैं, इसलिए हो सकता है कि ये दाम बहुत सारी कोचिंग में आपको 899-299 भी मिल सकता है, लेकिन मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने यहां पर अच्छे टीचर लगा रखे हैं, अच्छा कंटेंट दे रखा है, तो उस कंटेंट के बिहाफ पे ये दाम कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है अगर कंटेंट सिलेक्शन वाला है तो फिर मैटर नहीं करता कि वो 799 है या फिर हमारा कुछ और है, ठीक है। बाकी आप लोग को करना क्या है वो तो आपकी मर्जी है, आप अपने डिसीजन के मालिक हो, है ना, आपको क्या करना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बस इतना याद रखिएगा, रिजल्ट आगे चलते जो भी हो वो आपके कहीं ना कहीं डिसीजन पे ही निर्भर करेगा, है ना, तो वो आपकी मर्जी है दोस्त, मैं उस पर कुछ नहीं करता। दूसरी बात, आपको बस एक काम मेरा करना है जो मैं पूरी हट के साथ कहता हूं, आज की क्लास आपने देखी, आप मुझे इस क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में एक ऑनेस्ट रिव्यू जरूर देंगे कि आपने क्लास को कितना अच्छे से सीखा, कितना अच्छा पढ़ा, कितनी नई चीजें आपको समझ में आई, है ना, वो जरूर ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए। 3 दिन का मेरा टारगेट है, अगले 3 दिनों में मैं आपको ये वाला चैप्टर फिनिश आने वाला हूं, बाकी अन्य जो चैप्टर है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के वो सारे के सारे एप्लीकेशन भी मिलेंगे, ठीक है, बाकी 3 दिनों में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। सर कल क्या पढ़ाएंगे, कल बच्चा मैं इसी के आगे पढ़ाऊंगा, अभी वाला चैप्टर खत्म नहीं हुआ, कल मैं इसी के आगे पढ़ाऊंगा, है ना, मैंने कहा कि 3 दिन, अगले 3 दिनों में मैं आपको ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश करा दूंगा, ठीक है, थ्योरी के साथ। क्वेश्चन तो मान लो पूरी दुनिया का आती है यार, कल लोरे कहीं ना कहीं से मैं खुद कराऊंगा, लेकिन अच्छी थ्योरी मिलना बहुत ज्यादा कह सकते हो जरूरी होता है, लेकिन बहुत जल्दी अच्छी थ्योरी मिलती नहीं है हम लोगों को, है ना, तो आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए। ये मैं चैप्टर क्यों लेके आया हूं, एक बच्चा मुझसे पिछली बार कह रहा था कि सर मुझे मास वेट डेंसिटी पढ़ा दो, मैंने कहा था एप्लीकेशन से पढ़ाई कर लेना, उसने कहा था सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं यूट्यूब से ही पढ़ना चाहता हूं, तभी मैं उसके कहने पे यही वाला चैप्टर उठाया ताकि उसका ये चैप्टर तैयार हो जाए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट फीडबैक जरूर दे देना, नहीं तो भाई अगली वाली क्लास में पता कैसे पढ़ाऊंगा। और बताओ क्या चल रहा था, सरफेस टेंशन सो के पढ़ाएंगे भाई, तो एनर्जी के लिए ना आपका भी सपोर्ट करना बड़ा जरूरी है, इसलिए कमेंट में फीडबैक जरूर देना, एक बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखना ताकि एकदम छाती चौड़ी हो जाए और कल एकदम जोश के साथ फिर से पढ़ाने आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।